असलम इलेनारो एक कंपनी में दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा मानने के बाद पता कौन सा होता है? हेड ऑफ सेल्स, जो बंदा उस कंपनी की मार्केटिंग करता है और ग्राहक लाता है, पैसे लाता है बाहर से। तो गूगल एड्स एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर सीख लें, माहिर बन जाएं इसके, तो आप किसी भी कंपनी के दूसरे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदे बन सकते हैं, एक कंपनी की तकदीर बदल सकते हैं। आज ये मवाद आपको फ्री में दे रहा हूँ। चंद हफ्ते पहले फेसबुक मार्केटिंग की कोर्स निकली थी। लुक, इट्स नॉट द एंड द फुल 100% दुनिया का रिसोर्स, लेकिन आपको काफ़ी हद तक काबिल बना देगा। बाकी आपका खुद का तजर्बा, जाएं छा जाएं एंड खुले पैसे कमाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम मिलिनारो, मैं हूं नसरुल्लाह मलिक और मैं आपको सिखाऊंगा गूगल एड्स। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गूगल एड्स होता क्या है, किस तरह से हम गूगल एड्स रन कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है तो उसके ऊपर हम किस तरह से गूगल एड्स रन करवाते हैं। सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझ लें। सबसे पहली चीज होती है गूगल एडसेंस और एक होता है एडवर्ड्स। अब नाम चेंज होकर उसका हो गया गूगल एड्स। अब एडसेंस पे हम क्या करते हैं, हमारे डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर्स होते हैं और सर्च नेटवर्क पार्टनर्स होते हैं। डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर्स और सर्च नेटवर्क पार्टनर्स कौन से होते हैं? सर्च नेटवर्क पार्टनर्स में अगर आप देखें, जिस तरह से मेरे पास एक वेबसाइट है ये duckduckgo.com से, अब यहां पर अगर हम कोई भी चीज सर्च करेंगे तो ये गूगल का सर्च नेटवर्क पार्टनर है। इसके ऊपर कोई भी सर्च करते हैं तो जितनी भी सर्चेज होती हैं या जितने भी एड्स होते हैं वो गूगल के सर्च नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं और तकरीबन सारा डाटा वहीं से आ रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर्स कौन से होते हैं? डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर्स वो होते हैं जिस तरह से यूट्यूब जो है गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर है, उसके ऊपर जो भी हमारा एड रन हो रहा होगा वो गूगल के जरिए से आ रहा होगा। तो जितनी भी यूट्यूब पे एड्स रन करेंगे हम, वो भी गूगल एड्स के अंडर ही रन होंगे। उसके बाद ब्लॉगर है या डिफरेंट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर अगर हम एड्स रन करवाना चाह रहे हैं तो एक टारगेट है गूगल एडसेंस का, उसको हम अचीव करेंगे। उसके बाद हम एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमारा एडसेंस अप्रूव होगा तो गूगल एड्स के जरिए से जितने भी एड्स रन हो रहे होंगे वो हमारे एडसेंस वाली अप्रूव्ड वेबसाइट्स के ऊपर या सर्च नेटवर्क पार्टनर्स हैं या जो भी चीजें हैं उनके ऊपर हमारे एडसेंस के जरिए से ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाएंगे। या हमारा यूट्यूब चैनल है उसके लिए एक मखसूस टारगेट है, जैसे हम उस मखसूस टारगेट को अचीव करेंगे तो हमारा चैनल जो है एडसेंस के लिए हम अप्लाई करेंगे, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमारा एडसेंस अप्रूव हो जाएगा, मोनेटाइजेशन अप्रूव हो जाएगी, तो एडसेंस अकाउंट हमने कनेक्ट करना होगा जिसके जरिए से हमारे चैनल के ऊपर एड्स जो है वो रन हो सकेंगे। हम क्या करते हैं, हम गूगल एड्स के जरिए से एड्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक बिजनेस है तो हम अपने बिजनेस के रिलेटेड अगर एड रन करवाना चाह रहे हैं तो हम गूगल एड्स के जरिए से खुद एड प्रोवाइड करेंगे गूगल को। ये हमारी डिस्प्ले नेटवर्क एड्स हैं, ये सर्च एड्स हैं, या जो भी एड्स के टाइप्स हैं उनको आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं बैनर एड की, डिस्प्ले नेटवर्क एड्स के रिलेटेड। अब एक बैनर एड हमने दिया गूगल को कि ये एड हम दिखाना चाह रहे हैं, अब वो कहां पे नजर आएगा? फॉर एग्जांपल एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, उन्होंने एडसेंस से अप्रूवल लिया हुआ होगा कि यहां पर कोई भी एड जो है वो दिखा सकता है, तो हमारा एड किसी भी वेबसाइट के ऊपर नजर आएगा। अब हमें यह नहीं पता होगा, हमें किसी वेबसाइट के साथ रابطہ करने की जरूरत नहीं है कि आप अपना एड, हमारा एड जो है यहाँ पर चला दें, या जो अगर हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है या कोई भी और वेबसाइट है उसके ऊपर हम एड रन करवाना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्ट क्लाइंट्स नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्लाइंट्स हम नहीं ले सकते कि आपका एड यहाँ पर हम रन कर देंगे, वो डिफरेंट चीज है। तो गूगल एड्स में क्या होता है कि सारा जो थर्ड पार्टी है हमारा सारा जो चीजों को मैनेज कर रहा होता है वो गूगल कर रहा होता है, कहाँ से एड लेने हैं, कहाँ पे एड देने हैं, किस वेबसाइट पे दिखाने हैं, किस से लेने हैं, किस लोकेशन पे दिखाने हैं, ये सारी चीजें जो है ये हेडेक गूगल का होता है, इन सारी चीजों को जो है गूगल मैनेज कर रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं गूगल एड्स। गूगल एड्स के लिए हमें चाहिए होता है गूगल एड्स मैनेजर। यहाँ पर इसका इंटरफेस हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है, जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, इसलिए क्योंकि आपके पास जो है एड्स जो है वो डेफिनेटली रन नहीं किए हुए होंगे आपने, हमने काफी सारे एड्स रन किए हुए हैं तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इन सारी चीजों को किस तरह से हम कर सकते हैं गूगल एड मैनेजर को, हम खुद किस तरह एड अकाउंट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, इन सारी चीजों को आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मिलिनारो, मिलिनारो अगर हम गूगल एड्स का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसको किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल के ऊपर। यहाँ पर मैं आ गया गूगल के ऊपर। यहाँ पर आप अगर गूगल एड्स अकाउंट टाइप कर लें, ठीक है, या अगर आप यहाँ सर्च में लिख लें ads.google.com, ads.google.com पे हमने जाना है।
यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, एक हमारे पास ऑप्शन है साइन इन का, दूसरा ऑप्शन है स्टार्ट नाउ का। अगर हमारे पास पहले से एड अकाउंट मौजूद होगा तो हम साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, बट अब हम जो है स्क्रैच से अकाउंट को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्ट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, हम साइन इन नहीं कर सकते, बट जब हमारे पास अकाउंट होगा तो हम साइन इन के बटन पर क्लिक करके डायरेक्ट साइन इन कर सकेंगे। अब इसके लिए हमें सिंपल जीमेल चाहिए होगा और आपका जीमेल जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए, वो यहाँ पर आपका लॉगिन होना चाहिए। जैसे ही आप जीमेल लॉगिन होगा तब ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सकेगा इजीली। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है योर बिजनेस नेम और यहाँ पर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाएगी, बट यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट नहीं करनी, सिंपल यहां से हमने कर देना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। जैसे ही हम स्विच टू एक्सपर्ट मोड करेंगे हमारा जो बेसिक प्रोसेस है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके यहां पर हमारे पास यहां पर हमारा बिजनेस नेम हमने देना है, हमारी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल देना है, ठीक है, और यहां पर हमें बिजनेस इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, फिर कैंपेन गोल्स हैं, कैंपेन टाइप है, कैंपेन बनानी है और बिलिंग ऐड करना है, तो सारा जो कैंपेन का प्रोसेस होता है ऐड किस तरह से रन करेंगे पूरा ऐड यहीं पर हमें बनाना पड़ेगा और आगे जाएंगे। बट हम अभी कैंपेन क्रिएट नहीं करना चाह रहे, बिजनेस इन्फॉर्मेशन इनपुट नहीं करना चाह रहे, अभी हम जो है अपना बिलिंग मेथड अभी ऐड नहीं करेंगे, हम एंड पे ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर हम कर देते हैं क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, ठीक है। अब यहां पर हमसे थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बिलिंग के रिलेटेड पूछी जाएगी, बिलिंग कंट्री हमारा पाकिस्तान है, टाइम जोन डेफिनेटली हमारा पाकिस्तान है, जीएमटी प्लस 5, और जो करेंसी है हमारी पीकेआर है, ठीक है। अगर आप ईमेल के जरिए से जो परफॉर्मेंस टिप्स है, प्रमोशनल ऑफर्स है वो रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर दें, ठीक है, या अगर आप नहीं लेना चाहते डोंट सेंड मी परफॉर्मेंस टिप्स प्रमोशनल ऑफर्स वगैरह तो आप नो पर क्लिक कर दें, हम यस पे क्लिक कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। ओके अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन ये नजर आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है और iOS ऐप भी अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि हमारी जो भी एड अकाउंट में हम फॉर एग्जांपल एड रन कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस लाइव हमें जो है हमारे मोबाइल में ऐप के अंदर भी नजर आ रही होगी, ठीक है। आप अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहें गूगल एड मैनेजर की एप्लीकेशन तो भी कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ इस QR कोड को स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सप्लोर यूर अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारा जो इंटरफेस है यहाँ पर लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो बेसिक ओवरव्यू है हमारे गूगल एड्स का वो यहाँ पर हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके ये है हमारा ओवरव्यू। अब यहाँ पर क्योंकि हमने कोई कैंपेन जो है वो क्रिएट नहीं की हुई, कोई चीज नहीं है, बिल्कुल बेसिक अकाउंट है, ठीक है, अगर हम कैंपेन क्रिएट करना चाहें तो सिंपल क्या है, न्यू कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करके हम कैंपेन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है, तो इन चीजों को हम अपने अकाउंट में जाकर डिटेल में देख लेते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल सेम वही चीज है, जैसे आप न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे न्यू अकाउंट होगा या ओल्ड अकाउंट होगा नो मैटर, कोई चीज डिफरेंस नहीं होगा, न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जैसे कि हम एड कुछ रन कर रहे हैं, कुछ कैंपेन हमारी जो है ड्राफ्ट में खड़ी है, तो हमें इसलिए ये सेकंड ऑप्शन शो हो रहा है, नया अकाउंट होगा तो ये ऑप्शन शो ही नहीं हो रहा। ये ऑप्शन किस चीज के रिलेटेड है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट, अगर कोई कैंपेन हमने बनाई और उसको पब्लिश नहीं किया, ड्राफ्ट में सेव कर दिया और यहाँ उस ड्राफ्ट को हम लोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, न्यू कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक कर लें और हम बिल्कुल स्क्रैच से जो है न्यू कैंपेन को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इस तरह से हम न्यू कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं, या अगर हम प्रीवियसली हमारी कोई ऐप है कैंपेन है जिसको हम रिज्यूम करना चाहते हैं ड्राफ्ट से तो भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है हमारे पास चूज योर ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हम अगर गूगल को खुद से बताना चाहें कि हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ कैंपेन को रन करना चाहते हैं तो उस सिनेरियो में गूगल हमें खुद सजेस्ट करता है कि कौन सी एड टाइप आप जो है रन करें, कौन सी कैंपेन टाइप आप रन करें। कैंपेन टाइप्स क्या होती हैं, इनकी डिटेल आगे जाके हम तफसील से देखेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा सेल्स, अगर हम सेल्स जनरेट करना चाहते हैं तो हम सेल्स कैंपेन रन करेंगे, ठीक है। अब जो सेल्स कैंपेन है, अब सेल्स कैंपेन अगर रन करना चाहते हैं तो यहां से रन करेंगे। सेल्स कैंपेन के बाद यहां पर है लीड्स, अगर हम लीड्स जनरेट करना चाहते हैं तो लीड्स को सिलेक्ट करेंगे डेफिनेटली। उसके बाद नेक्स्ट है वेबसाइट ट्रैफिक, अब अगर हम वेबसाइट ट्रैफिक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है या हमारा कोई भी स्टोर है, ठीक है, उसके ऊपर हम ट्रैफिक भेजना चाहते हैं
या किसी भी टाइप की हमारी वेबसाइट है, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएं, तो हम वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जो एड होगा उसके साथ हमारी वेबसाइट का लिंक जो है वो अटैच होगा, और जो भी बंदा हमारे उस एड के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन में क्या होता है, इसमें हमारे पास कॉल टू एक्शन नहीं होता, लेकिन हम जो है अपना एड सिर्फ दिखा सकते हैं लोगों को। अब इसमें और हमारे पास सेकंड है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन एड को आप इस तरह से समझ लें, अब हमारे पास इसमें सिर्फ एक ऑप्शन मिल रहा है वीडियो एड का, ये क्यों है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बताना चाह रहे हैं, सिर्फ एड दिखाना चाह रहे हैं, कोई कॉल टू एक्शन नहीं कर रहे, ना हम कोई ऐप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, ना हम किसी अपने वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हैं, ना कोई ई कॉमर्स स्टोर है जिसके ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हैं, जस्ट हम अपना एड दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन ऐड को रन कर सकते हैं। इसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि जिस तरह से टीवी के ऊपर ऐड रन हो रहा होता है, ठीक है, तो अब टीवी के ऊपर जो ऐड रन हो रहा है वो हमसे डायरेक्ट उसी वक्त कोई कॉल टू एक्शन नहीं मांग रहे होते, वो ये नहीं कह रहे होते कि टीवी के ऊपर ऐड करने ऐड जो रन हो रहा होता है उससे ना तो हम उनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट जा रहे होते हैं उसी वक्त, कुछ भी नहीं होता, ना उनकी ई-कॉमर्स स्टोर के ऊपर जा रहे होते हैं, जस्ट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उनमें चीजों को बिठाने के लिए बार बार हमें वो एड दिखाया जाता है, अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो शो करवाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। अब ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच में ये है कि हमारे पास ऑलमोस्ट उसी तरह से वीडियो एड तो मिल रहा है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डिस्प्ले एड का है। अब डिस्प्ले एड में भी यही चीज होगी कि हम अपना एड दिखा रहे हैं, और एड दिखाने के बाद हम दो चीजें हैं, एक तो हमारा वीडियो एड है, सिंपल वीडियो एड है, उसके बाद वीडियो एड में क्या चीज होती है, जिस तरह से हम यूट्यूब पे एड देखते हैं वो वीडियो एड की टाइप है, और डिस्प्ले एड है, डिस्प्ले एड क्या होता है इन चीजों को आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऐप प्रमोशन एड, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अगर हम कोई भी ऐप है उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं या ऐप की प्रमोशन नहीं करना चाहते, उसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है कि हम ऐप इंगेजमेंट करना चाहते हैं। अब ऐप इंगेजमेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम ये चाह रहे हैं ऐप इंस्टॉल में, तो ये है कि हमारी एक ऐप है और हम चाहते हैं कि जिसने इंस्टॉल नहीं की हुई वो इंस्टॉल कर ले, बट ऐप एंगेजमेंट में क्या होता है कि हमें ये पता है कि हमारी ऐप जो है कुछ लोगों ने इंस्टॉल की हुई है बट कुछ अर्से से उन्होंने यूज नहीं की, तो इंगेजमेंट पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो दोबारा से हमारी ऐप के ऊपर एक्टिव हो जाएं और ऐप को यूज कर सकें। उसके बाद थर्ड चीज ये होती है कि इन ऐप परचेजेस। इन ऐप परचेजेस में क्या होता है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम करते हैं, जिस तरह से गेम्स हैं, डिफरेंट गेम्स की एप्स हैं उनके अंदर इन ऐप परचेजेस करवाते हैं, उसकी जो कॉइन्स होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं वो परचेज करवाना चाहते हैं, या कोई भी ऐप के अंदर परचेज करवाना चाहते हैं चीज तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर्स रिसीव करना चाहते हैं डायरेक्टली परचेजिंग के तो वो करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस। अब लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन में आपको सिर्फ परफॉर्मेंस मैक्स ऐड मिलेगा। अब लोकल स्टोर में क्या होता है, अगर हमारा बिल्कुल लोकल सा स्टोर है छोटा सा, तो उसके लिए हम ये चीज कर सकते हैं। अब इसमें हमें सिर्फ परफॉर्मेंस मैक्स ऐड मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम इस चीज को करें क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स ऑडियंस, तो उसमें हमें तमाम कैंपेन की टाइप्स मिलेंगी। इसमें आप जो भी ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं उसमें आपको एक ही टाइप मिलती है। एक ही टाइप क्यों मिलती है, क्योंकि अब गूगल को हम आधा कंट्रोल पहले ही दे देते हैं कि हम सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं या हम ऐप प्रमोशन करवाना चाह रहे हैं, अब या हम वेबसाइट ट्रैफिक ले जाना चाह रहे हैं, पहले से एक आधा कंट्रोल हम गूगल को दे देते हैं, आधी इंफॉर्मेशन तो हमने गूगल को बता दी। अब गूगल हमें सजेस्ट कर रहा है, गूगल एड्स जो है वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप वेबसाइट ट्रैफिक ले जाना चाहते हैं तो आप इस एड के जरिए ले जा सकते हैं, अगर आप प्रोडक्ट या और ब्रांड कंसिडरेशन में जा रहे हैं तो आप इस एड के टाइप के जरिए से जा सकते हैं, ठीक है, और ऐप प्रमोशन करवाना चाह रहे हैं तो ये एक ऐप के रिलेटेड ऐड है, आप इसके जरिए से करवा सकते हैं, ठीक है। बट अक्सर ऐसा भी होता है कि हम ऐप प्रमोशन कर रहे हैं और ऐप की प्रमोशन हम वीडियो के जरिए से कर रहे होते हैं, या ऐप की प्रमोशन हम डिस्प्ले ऐड के जरिए से कर सकते हैं, सर्च ऐड के जरिए से कर सकते हैं, टाइप कौन सी है उनको आगे डिटेल में जाके डिस्कस करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किए बगैर हम यहाँ पे आ सकते हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स ऑडियंस, ठीक है, गोल्स गाइडेंस।
अब गोल हम खुद से सेलेक्ट करेंगे, सारा कंट्रोल हमारे पास होगा, सारी चीजों को हम जो है खुद डिस्कस करेंगे और अपनी मर्जी से जो है कैंपेन टाइप को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब कैंपेन टाइप्स कौन सी होती हैं, कैंपेन टाइप्स जो हैं उसको हम क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिलनेरो, जब भी हम कैंपेन क्रिएट करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। हमें कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है। अब कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया तो हमने कुछ चीजें गूगल को पहले बता दी कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, उसी के रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शंस देता है कैंपेन टाइप्स। बट अगर हम जाते हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स ऑडियंस, तो अब उसमें क्या करना होता है कि सारी चीजें हमारे पास खुद कंट्रोल होता है, तो उसमें हमें सबसे पहला काम ये करना होता है कि सिलेक्ट अ कैंपेन टाइप। कैंपेन टाइप को सिलेक्ट करेंगे, उससे आगे हमारी जो भी कैंपेन होगी, जो भी डेटा प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद हमारे जो एड है वो रन होगा। अब कैंपेन टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब कैंपेन टाइप तब सिलेक्ट कर सकेंगे जब हमें पता होगा कि कैंपेन टाइप्स होती क्या है। अब कैंपेन टाइप्स में सबसे पहली टाइप है हमारी सर्च एड। अब सर्च एड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल में कोई एक चीज सर्च की और उसी के रिलेटेड आपको सर्च एड नजर आएगा। अब सर्च एड में अगर आप एग्जाम्पल देखें तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पर अलीबाबा। मैंने यहाँ पर अलीबाबा सर्च किया और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है स्पॉन्सर्ड। अब ये स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पर दो चीजें आपको मिल सकती हैं, या तो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होगा या एड लिखा हुआ, AD एड लिखा हुआ नजर आएगा। अब ये स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि ये जो एड बना हुआ है ये ऑर्गेनिक सर्च नहीं है, इसी के नीचे आपको ऑर्गेनिक सर्च यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। इसी के नीचे यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक सर्चेज भी मिल रही है, बाकी सारी चीजें जो वो ऑर्गेनिक सर्चेज है, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक सर्च है, बट ये जो सबसे ऊपर हमें नजर आ रहा है ये हमारे पास जो है एड है। अब ये हम कब कर सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है अब उसके ऊपर हम ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं, एक तो ये उसका तरीका हो सकता है। अगर हमारा ई कॉमर्स स्टोर है उसके ऊपर हम ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं, ये उसका तरीका हो सकता है। जिस तरह से ये एक बहुत बड़ा दुनिया का ई कॉमर्स स्टोर है और यहाँ पर ये क्या है, ट्रैफिक भेज रहे हैं ताकि लोग हमारी वेबसाइट पे आए और वहां से जो है चीजें परचेज करें। अब ये हम क्यों करते हैं, हमारी या तो ऐप जो है वो वेबसाइट जो है वो नई हो, ठीक है। अब नई वेबसाइट है और वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक सर्च में अपियर नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं कि हम उसी के रिलेटेड कुछ टैग्स के ऊपर हम अपनी वेबसाइट का एड रन कर देते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि हम अपना एक बिजनेस है, ई कॉमर्स स्टोर है और उसके ऊपर शूज सेल कर रहे हैं और हमारे बिजनेस का कोई नेम है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई छोटा सा बिजनेस है उसका कोई नेम है, ठीक है। अब उस नेम के रिलेटेड हमने जो वेबसाइट बनाई हुई है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेरा नाम नसरुल्ला है, nasrullahmalik.com। अब nasrullahmalik.com जो हमने वेबसाइट बनाई है, अब नसरुल्ला मलिक को तो दुनिया में कोई नहीं जानता, वो कोई इतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है, आज ही हमने बनाई है और हम दो चार दिन में एड रन करना चाह रहे हैं ताकि हमारी उस वेबसाइट के ऊपर जो है ट्रैफिक आए। तो हम क्या करेंगे, उसी वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसी के टैग्स के मुताबिक हम एक सर्च एड रन करेंगे। अब सर्च एड जब रन करेंगे तो यहाँ पर अगर हमने बाय शूज के ऊपर, यहाँ पर हमारा एक शूज के रिलेटेड स्टोर है, शूज के रिलेटेड बिजनेस है, बाय शूज के ऊपर हमने जो है एड रन कर दिया। अब जैसे ही कोई बंदा बाय शूज लिखेगा या बाय स्नीकर्स लिखेगा, शूज और स्नीकर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, अब ये टैग्स क्या होते हैं, अब कोई शूज लिखे तो स्नीकर भी आना चाहिए, हील्स भी आनी चाहिए, ये कीवर्ड की टाइप्स हैं, इनको आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो है एड जो है वो सामने नजर आना चाहिए, तो उसके जरिए से हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्रैफिक जाएगी। सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये है, मैंने सिंपल यहाँ पर लिखा गूगल एड्स और यहाँ पर हमारे पास जो है ads.google.com की वेबसाइट जो है वो नजर आ रही है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमारी वेबसाइट नई हो इसलिए हम कर रहे हैं ये। अब गूगल की वेब, गूगल तो कितना पुराना है, गूगल एड्स कितना पुराना है, अलीबाबा कितना पुराना है, बट फिर भी वो अपने एड रन कर रहे हैं ताकि अगर SEO में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, ऑर्गेनिक सर्चेज में हमारा एड कहीं पर अगर नहीं भी शो हो रहा तो एड के जरिए से मस्ट शो होना ही होना चाहिए। ये हमारी टाइप है सर्च एड की टाइप। उसके बाद परफॉर्मेंस मैक्स को हम एंड पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारी डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड में हमारे पास बैनर एड्स होते हैं, ठीक है, और बैनर एड्स हम रन कर सकते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर एक एड हमें नजर आ रहा है, ये एक बैनर एड की टाइप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ राइट साइड पर हमें एक एड नजर आ रहा है, ये भी एक बैनर एड की टाइप है।
उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर भी हमें एक एड नजर आ रहा है, ये भी बैनर एड की टाइप है, ठीक है। मजीद अगर हम स्क्रॉल करें तो और जो है इनके एड्स इस वेबसाइट पे नहीं लगे हुए। इस वक्त यहाँ पर 3 डिस्प्ले एड्स नजर आ रहे हैं। अब डिस्प्ले एड्स कह लें या बैनर एड्स कह लें, एक ही चीज है। अब अगर आप देखें तो इसका साइज जो है वो डिफरेंट है और इसका साइज जो है वो डिफरेंट है, और इवन कि इसका साइज देखें तो इससे मजीद डिफरेंट है। अब यहां पर जो है अगर देखें तो ये परफेक्टली साइज्ड बैनर्स लगे हुए हैं। जब भी हम डिस्प्ले एड रन कर रहे होंगे, आगे जाकर हम डिस्प्ले कैंपेन क्रिएट करेंगे जब, तो उसमें डिटेल में देखेंगे कि हम डिफरेंट जो है साइजेस की इमेजेस गूगल को प्रोवाइड कर देते हैं कि जहां पर जिस साइज की इमेज जो है वो परफेक्टली फिट आ रही हो, हमारी उस इमेज को उठाकर वहां पर लगा लें। अगर हमने सिर्फ ये वाली इमेज दी हुई हो और इस इमेज को यहां पर लगाना हो, या तो यहां पर ये सिर्फ सेंटर में नजर आएगी, ठीक है, बाकी राइट लेफ्ट में नजर नहीं आएगी क्योंकि ये स्क्वायर में है, या फिर अगर इसको स्ट्रेच कर देंगे तो जो हमारी डिटेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, इसलिए हमें डिफरेंट साइज की इमेजेस जो है वो देनी पड़ती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप है शॉपिंग एड। शॉपिंग एड जो है वो बेसिकली सर्च एड की ही टाइप है। अब जिस तरह से मैंने एग्जांपल दी थी कि हम बाय शूज लिखें, तो जब अगर हम बाय शूज लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से नजर आना चाहिए। यहां पर मेरे पास एक एग्जांपल है पिलो, ठीक है, वर्ड पिलो लिखा और यहाँ पर पिलो की जितनी टाइप्स हैं उसके ई कॉमर्स स्टोर पे जितने भी प्रोडक्ट लिस्टेड हैं उनकी यहाँ पर डिटेल आ रही है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी, एक इमेज है, उसके बाद उस प्रोडक्ट का नेम है, यहाँ पर उस प्रोडक्ट की प्राइस है, उसके नीचे यहाँ पर जो ई कॉमर्स स्टोर है या उसकी डिटेल है, और यहाँ पर हम या अगर देखें यहाँ पर फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, फ्री डिलीवरी लिखा हुआ है, या अगर हमारा प्रोडक्ट पहले से सेल हो रहा है तो उसके यहाँ पर जो है रेटिंग्स होंगी, रिव्यूज होंगी जो कि ऑलरेडी जो है कस्टमर्स ने बाय किया होगा, क्लाइंट्स ने बाय किया होगा और उन्होंने फीडबैक दिया होगा, तो यहाँ पर ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। उसी के नीचे आपको यहाँ पर ये जो एड नजर आ रहे हैं ये सर्च एड है, ये सिर्फ सर्च एड है, इनको हम सिर्फ सर्च एड कहेंगे। लेकिन अब क्योंकि आप पिलो सर्च कर रहे हैं और ये एड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये भी एक सर्च एड है, लेकिन ये एक शॉपिंग सर्च एड है, इसको हम शॉपिंग सर्च एड भी कह सकते हैं, शॉपिंग एड भी कह सकते हैं, बट ये सिर्फ सर्च एड नहीं है, सर्च एड ये है, ठीक है, ये सर्च एड की एक टाइप इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो एड। वीडियो एड हम वाकिफ हैं सब, रोजाना कई बार देखते रहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं यूट्यूब की, बाकी जितने भी डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर्स होते हैं उन पे भी आ सकता है, लेकिन मेन जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक है वीडियो एड की वो हमारी आती है यूट्यूब के जरिए से। यूट्यूब पे क्या होता है, जब भी हम कोई अपनी वीडियो प्ले कर रहे होते हैं तो उससे पहले एक स्किपेबल एड आता है। उसमें क्या होता है कि एक वीडियो होती है जो कि हम स्किप कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एड। अब उस एड में हमने अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डिटेल्स होती हैं, वो एक वीडियो के फॉर्म में कलेक्ट करके वहां पर देनी होती है। अब वीडियो एड के ऊपर अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम ब्रांड कंसिडरेशन में अगर चला रहे हैं तो उसमें हम कोई कॉल टू एक्शन नहीं डालेंगे कि हमें जस्ट वीडियो दिखानी है, या अगर हम इसको बहुत सी और जिस टाइप के लिए यूज करना चाहें कर सकते हैं। अब अगर हम वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, ऐप प्रमोशन करवाना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर भेजना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, जो भी चीज हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना चाहें उसके ऊपर कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल के सिंपल वहां पर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं वीडियो एड, सिंपल, हम दिन में कई बार देखते रहते हैं इस एड को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऐप एड, ऐप प्रमोशनल एड, जैसे कि नाम से ही जाहिर है। अब ऐप प्रमोशनल एड क्या होते हैं कि हम कोई भी अगर प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में ऐप सर्च करते हैं तो ऑर्गेनिक सिम सर्च एड की तरह से ही हमें नजर आएगा कि ऑर्गेनिक सर्चेस के साथ साथ हमें जो है एड भी नजर आ रहा होता है। एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल स्क्रीन में प्ले स्टोर हमने ओपन किया, यहाँ पर हमने लिखा एडवेंचर गेम। अब एडवेंचर गेम में यहाँ पर नीचे जो ऑर्गेनिक सर्चेस भी आ रही होंगी, जितनी भी एडवेंचर गेम्स होंगी वो सारी चीजें भी आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक रॉकेट ऐप है जिसका यहाँ पर एड नजर आ रहा है। जितनी भी चीजें आपको सर्चेस में नजर आए, डिस्प्ले में नजर आए या वीडियो के फॉर्म में नजर आए, उसके साथ अगर एडी एड लिखा हो या स्पॉन्सर्ड लिखा हो, उसका मतलब है कि वो एक एड है, वो ऑर्गेनिक सर्च नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से प्ले स्टोर के ऊपर जो हमारा एड है वो इस तरह से विजिबल होता है। उसके बाद
नेक्स्ट है स्मार्ट को भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी एड। अब डिस्कवरी एड जो है हमारा जीमेल में और यूट्यूब में नजर आता है। अब यूट्यूब में तो हमें ज्यादातर जो है वीडियो एड नजर आते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल जो है ये है कि ये बेसिकली डिस्प्ले एड की ही एक टाइप है। यहाँ पर अगर हम मैंने एक YouTube जो है ओपन किया हुआ है, पेज ओपन किया हुआ है, अभी मैंने सर्च भी कुछ नहीं किया। एक तो ऑर्गेनिक सर्चेज में भी हमें चीजें नजर आ सकती हैं, या ऑर्गेनिक सर्चेज के बगैर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक आपको इमेज नजर आ रही है, ये वीडियो नहीं है, ये एक इमेज है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है AD एड, ये वीडियो भी हो सकती है। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये किसी भी जगह पे किसी भी वेबसाइट के ऊपर हमें रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर AD लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि ये कोई ऑर्गेनिक सर्च नहीं है। और यहाँ पर ये जो है एड है, ये है डिस्कवरी एड की टाइप। डिस्कवरी एड की दूसरी टाइप क्या हो सकती है? अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास डेस्कटॉप व्यू है, ठीक है। जैसे ही हम अगर मोबाइल व्यू में जाएं तो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो सेम वही है, जस्ट रिस्पॉन्सिव साइजेस का फर्क है। यहाँ राइट लेफ्ट में हमें नजर आ रही हैं चीजें, वो टॉप टू बॉटम में नजर आ रही होती हैं। तो जैसे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारी वीडियोज होती हैं, रील्स होती हैं, शॉर्ट्स होते हैं, YouTube शॉर्ट्स होते हैं, और यहाँ पर हमें ये चीज भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर हम कोई भी वीडियो प्ले कर रहे होंगे, जैसे मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, और उस वीडियो के साथ राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एड आपको नजर आ रहा है, AD लिखा हुआ है, ये एक एड है, ठीक है। और यहाँ पर भी वैसे आपको एक एड नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली जो एड की टाइप है ये हमारी डिस्कवरी एड की टाइप है। मोबाइल के प्रीव्यू में आपको ये एड जहां पर हमारी वीडियो प्ले हो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, तो मोबाइल प्रीव्यू व्यू में वो हमें नीचे नजर आ रहा होगा, वीडियो के नीचे नजर आ रहा होगा। बट अगर डेस्कटॉप प्रीव्यू में हम देखें तो वो राइट साइड पे हमें नजर आ रहा होता है। अच्छा, अब हमने दो चीजें जो है बाद में डिस्कस करनी थी, स्मार्ट कैंपेन और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। ये थोड़ी सी मिलती जुलती कैंपेन है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्मार्ट कैंपेन। स्मार्ट कैंपेन में क्या होता है कि हम ज्यादातर चीजें जो है वो खुद डिस्कस नहीं करते, खुद जो है सिलेक्ट नहीं करते, ज्यादातर कंट्रोल जो है वो गूगल को दे देते हैं। हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, अब इवन के इसमें बजट कितना लगाना है, जो है कॉस्ट पर क्लिक, बिडिंग स्ट्रेटजी कितनी लगानी है, और इवन के बहुत सी डिटेल्स जो है वो गूगल खुद से डिसाइड करता है, कौन से नेटवर्क पर दिखाना है, कौन सा एड होगा, ये सारी चीजें जो है वो खुद दिखाता है। अब स्मार्ट एड कैंपेन ये होती है। लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स इससे कैसे मिलती जुलती है? परफॉर्मेंस मैक्स में ये होता है, हम सारा डाटा प्रोवाइड कर देते हैं गूगल को, और उसके मुताबिक जो एड टाइप जो है गूगल सजेस्ट करता है खुद अपनी मर्जी से। अब स्मार्ट एड में क्या होगा? स्मार्ट में ये होगा कि हमारा एड, हम ये चाहते हैं कि हमारा एक फॉर एग्जांपल छोटा बिजनेस है, ये ज्यादातर छोटे बिजनेसेस के लिए होता है, छोटा सा बिजनेस है, उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं कि छोटा सा हमारा बिजनेस है शूज के रिलेटेड। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारा छोटा सा बिजनेस है, हम थोड़े से बजट में एड रन कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमें सेल्स चाहिए और हमारा बजट जो है वो कम है। तो अब क्या करेंगे, स्मार्ट एड में हम गूगल को कह देंगे स्मार्ट एड रन करना है, स्मार्ट कैंपेन रन करनी है। और उसमें होगा क्या कि जो कैंपेन रन हो रही है उसमें गूगल कैंपेन में उन लोगों को एड शो करवाएगा जो ज्यादा से ज्यादा पहले शॉपिंग करते रहते हैं, या पर्टिकुलरली शूज के रिलेटेड ही चीजों को शॉपिंग करते रहते हैं। अब बाकी सिनेरियोज में ये हो सकता है कि जो शूज के रिलेटेड सर्च करता रहता है या स्नीकर्स के रिलेटेड सर्च करता रहता है, अगर हमारे स्पोर्ट्स शूज हैं तो इवन स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी कोई चीजें अगर सर्च करता रहता है और इसी इन चीजों में इंटरेस्ट लेता रहता है तो उनको भी शो हो सकता है। लेकिन स्मार्ट में क्या होता है कि हम ज्यादा ब्रॉड नहीं दे रहे होते ऑडियंस, बहुत जो है ऑडियंस को जो है फनल को छोटा कर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट चाहिए हमें। अब परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जो है उसमें क्या होता है, हम ज्यादा डेटा दे देते हैं, हम वीडियो भी दे देते हैं, हम डिफरेंट टाइप की डिफरेंट डायमेंशंस के साथ डिफरेंट साइजेस के साथ इमेजेस भी दे देते हैं, हम अपना लोगो भी दे देंगे, हम टेक्स्ट भी दे देंगे, और सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कर देंगे गूगल को कि हमें ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, आपकी मर्जी है ये सर्च एड में शो करवाएं, आपकी मर्जी है ये वीडियो एड में शो करवाएं, आपकी मर्जी है ये शो करवाएं जो है डिस्प्ले नेटवर्क एड्स पे, आपकी मर्जी है कि डिस्कवरी एड में शो करवाएं। तो अब कंट्रोल तो हमने दे दिया, और एक साथ कंट्रोल ये भी दिया कि एड की टाइप हम डिसाइड नहीं कर रहे, डाटा भी हमने सारा प्रोवाइड कर दिया। सर्च एड में जो है हमारा सिर्फ टेक्स्ट होता है, ठीक है, टेक्स्ट हम लिखते हैं, ठीक है, और वो जो हमारा टेक्स्ट होता है
वो हमारा सर्च में यहाँ पर जो है नजर आ रहा होता है। अब यहाँ पर ये हमने टेक्स्ट लिखा, ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी, ये कुछ यहाँ पर लिंक सामने लगाए, ये चीजें जो है हमने लगा दी, लेकिन इमेजेस भी दे दी, वीडियोस भी दे दी, सारी चीजें दे दी कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा हमें परफॉर्मेंस मिल रही हो हर टाइप में दिखा दो। अब पहले क्या होगा, पहले हमारा एड डिफरेंट टाइप्स में शो होना शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 दिन का हमने एड टारगेट रखा, 10 दिन हमारा एड रन होना है, ठीक है। पहले दिन क्या होगा कि 5 जगह पर हमारा एड जो है वो नजर आ रहा है। अब दूसरे दिन जो है 5 जगह पर नजर आ रहा है। 2 दिन का डाटा जब आ जाएगा तो हमें ये नजर आ जाएगा कि कौन सी जगह पर हमारा एड जो है वो परफॉर्म कर रहा है, और गूगल खुद से क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल सर्च एड में हमारा एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वीडियो एड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा जो एड है वो सर्च में और वहां पर वीडियो एड में दिखाना शुरू कर देगा, बजाय इसके कि वो शो करे उसमें डिफरेंट एड और टाइप्स में। तो इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल खोली हुई है इस एड की टाइप। अगर आप यहाँ पर देखें तो डिस्प्ले एड में क्या होता है, जो हमारा डिस्प्ले एड होता है, बैनर एड होता है, उसमें इस तरह की कोई इमेज होती है, लेकिन यहाँ पर उस टाइप की इमेज नहीं है। यहाँ पर हमें ये टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर साइन अप का बटन है और यहाँ पर जो है एक लोगो है, ये एक एड है, ठीक है। लेकिन अब एड की जो अगर हम डायमेंशन देखें तो ये रेक्टेंगल में थी, यहाँ पर स्क्वायर में भी शो हो रहा है। ये है परफॉर्मेंस मैक्स एड, कि ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, उन्होंने टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पर गूगल क्या कर रहा है, उसी टेक्स्ट को, उसकी लोगो को और वो जो कॉल टू एक्शन बटन था, इन तीनों चीजों को मिलाकर और यहाँ पर एक डिस्प्ले एड जो है खुद से क्रिएट कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर उसकी एक और एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पर हमें कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है और यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन है, नीचे जो है वो लोगो है। अब ये सारा सेटअप जो है गूगल ने खुद किया है कि कहाँ पर इमेज लगा दें, कहाँ पे टेक्स्ट लगा दें, कहाँ कॉल टू एक्शन बटन लगा दें और कहाँ पे हम लगा दें ये जो चीज है लोगो। तो ये जो एड की टाइप है इसमें ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस हमें इस तरह से मिल रही होती है कि हम ज्यादा कंट्रोल भी एक तो गूगल को दे देते हैं और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं कि जहां पर बेस्ट हमारी चीज आ रही है तो वहीं पर जो है शो करवा दें। ये थी हमारी जो है कैंपेन टाइप्स। आगे जाकर हम कैंपेन्स को, कुछ कैंपेन्स को जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारी चीजों को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैंपेन्स को क्रिएट भी करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। मिलियनेरो, अगर हम एक एड रन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सर्च एड है, अब सर्च एड में क्या ऐसा होगा कि हमने जो बिड लगाई है और हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो एक बिड लगा रहा है, अगर कॉम्पिटिटर ने हमसे ज्यादा बिड लगाई है तो क्या उसका एड हमसे पहले शो होगा, या हमने अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा बिड लगाई है तो हमारा एड जो है वो कॉम्पिटिटर से ज्यादा पहले शो होगा, टॉप पे शो होगा। 4 से 5 एड जो है वो एक साथ सर्च एड में रन हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक ऐड पहले आ रहा है, फिर दूसरे नंबर पे आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, इसी तरह से 4 से 5 ऐड रन हो रहे हैं। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके जरिए से ये डिसाइड किया गया है कि कौन सा ऐड फर्स्ट शो होगा, कौन सा सेकंड होगा, कौन सा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसी तरह सो ऑन। अगर हमने बिड ज्यादा लगाई है तो क्या हमारा ऐड शो होगा, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं हमारे ऐड रैंक के ऊपर, इसको कहते हैं ऐड रैंक, हमारा ऐड जो है उसका रैंक कौन सा होगा, उस चीज को डिस्कस करते हैं। और अगर हमने जो प्राइस लगाई है वो किस तरह से डिसाइड होगी ऐड रैंक के साथ, इसका फॉर्मूला किस तरह से काम करता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारी प्राइस होती है, अगर प्राइस के फॉर्मूला को आप देखें यहाँ पे, तो हमारी जो प्राइस का फॉर्मूला है वो है द ऐड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। हमारे नीचे एक पर्सन है उसका हम एड रैंक देखेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे अपने क्वालिटी स्कोर के साथ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है। क्वालिटी स्कोर 1 से लेकर 10 के दरमियान उसका स्कोर होता है, और ये डिपेंड किन चीजों के ऊपर कर रहा होता है, हमारा जो है एक्सपेक्टेड सीटीआर, जो हमने एड लगाया है उसका एक एक्सपेक्टेड सीटीआर होता है, क्लिक थ्रू रेट होता है, क्लिक थ्रू रेशियो भी कह सकते हैं, क्लिक थ्रू रेट भी हो सकता है। अब ये क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एड 100 बंदों के सामने आ रहा है और उनमें से 5 बंदे जो है हमारे एड के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, तो हमारा जो सीटीआर है, क्लिक थ्रू रेट है या क्लिक थ्रू रेशो कह लें, वो है 5, ठीक है। और
एक और बंदा है जिसका एड जो है 100 बंदों के सामने आ रहा है, तो उसका 4 बंदों के, 4 उसमें से क्लिक कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो एड है उसका सीटीआर ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमारा कॉम्पिटिटर है उससे। और दूसरी चीज है यूजर एक्सपीरियंस। अब जो हमारा एक्सपेक्टेड सीटीआर है वो तो हमारा डिफाइन हो गया, अब जो यूजर है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर या जो भी चीज है उसके ऊपर क्लिक करके गया है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। एक ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, 1,000 बंदे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर गए, उनमें से किसी ने परचेज ही कुछ नहीं किया, तो क्या है, बुरा यूजर एक्सपीरियंस है। या 1,000 में से हमारी 10 सेल्स हो गई, 15 सेल्स हो गई, ठीक है, तो वो हमारा जो है अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारे यूजर्स का, हमारे जो वेबसाइट के ऊपर आए हैं या जो भी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर आए हैं। उसके बाद है हमारा कीवर्ड रेलेवेंसी। कीवर्ड रेलेवेंसी क्या होती है, हमने एक ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर शूज के रिलेटेड एड लगाया, ठीक है, एड हम ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर शूज सेल कर रहे हैं, ठीक है, हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, ई कॉमर्स स्टोर है और हम शूज सेल कर रहे हैं अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, और हमने जो है एड लगा दिया किसी और चीज के ऊपर, वॉचेस के ऊपर हमने एड लगा दिया। अब बाय वॉचेस कोई सर्च करेगा, हमारा एड तो हमने बाय वॉचेस के कीवर्ड में लगाया हुआ है, वो वहां पर नजर तो आ जाएगा, लेकिन कोई बंदा अगर, पहली बात तो क्लिक्स बहुत कम होंगे, अगर क्लिक हो भी गया तो वो बंदा सर्च करने आया था वॉचेस, हम उसको शूज दिखा रहे हैं, तो चांसेस हैं, हो सकता है कि हमारी सेल्स हो जाए, ठीक है, लेकिन कीवर्ड रेलेवेंसी नहीं है, ठीक है, एक तो चांसेस जरूर हैं लेकिन बहुत कम है, एक तो सेल्स जो है वो कम होंगी, ठीक है, यूजर का एक्सपीरियंस बहुत बुरा होगा, और दूसरी चीज ये है कि हमारा कीवर्ड जो है वो रेलेवेंसी नहीं है, प्रोडक्ट और दिखा रहे हैं, कीवर्ड और के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो कीवर्ड रेलेवेंसी क्या है। इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्वालिटी स्कोर, तीनों चीजें जितनी बेहतर होंगी क्वालिटी स्कोर उतना बेहतर होगा, 1 से लेकर 10 के दरमियान क्वालिटी स्कोर के पॉइंट्स होते हैं। अब क्वालिटी स्कोर तो है जो है वो डिफाइन हो गया, अब एड रैंक जो है वो, एड रैंक क्या होता है, एड रैंक ये चीज होती है कि एक यूजर है फॉर एग्जाम्पल उसने बिड लगाई 2 रुपए 2 RS पर क्लिक के ऊपर वो देने के लिए तैयार है, ठीक है, और उसका क्वालिटी स्कोर है जो है वो है 10, तो वो उसका जो एड रैंक होगा वो बन जाएगा 10 × 2 = 20। इसका फॉर्मूला ये है कि मैक्सिमम बिड जो हमने मैक्सिमम बिड लगाई है मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर, इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है एड रैंक जो है वो आएगा, ठीक है। अब इस चीज को देख लेते हैं डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक एडवर्टाइजर 1 है, एडवर्टाइजर 2 है, एडवर्टाइजर 3 है और एडवर्टाइजर 4 है, ठीक है, इसका एड जो है सबसे पहले शो हो रहा है, इसका दूसरे नंबर पे, इसका तीसरे नंबर पे और इसका चौथे नंबर पे। इसने डॉलर यहाँ पर साइन है, बट अगर हम एग्जाम्पल रुपीज के लें तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर डॉलर को मैं जो है रुपीज में काउंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 रुपीज जो है वो मैक्सिमम बिड लगाई, अब 2 रुपीज हमने मैक्सिमम बिड लगाई, सेकेंड एडवर्टाइजर ने 4 रुपीज लगाई, थर्ड एडवर्टाइजर ने 6 रुपीज लगाई, फोर्थ एडवर्टाइजर ने 8 रुपीज लगाई। अब होना अगर सिर्फ बिड पे डिपेंड कर रहा होता तो होना तो ये चाहिए था कि जो एडवर्टाइजर 4 है उसने सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं तो उसका टॉप पे शो हो एड, फिर दूसरे नंबर पे एडवर्टाइजर 3 जो है उसका 6 रुपीज है तो उसका दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे एडवर्टाइजर 2 और फोर्थ नंबर पे जो एडवर्टाइजर 1, अब के हिसाब से नजर आ रहे हैं, ये तरतीब बिल्कुल उल्ट होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम साथ में क्वालिटी स्कोर देखें तो जो एडवर्टाइजर 1 है उसका क्वालिटी स्कोर जो है वो 10 पॉइंट्स है, ठीक है, इस वजह से उसका जो एड रैंक स्कोर है वो भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम बिड तो उसने 2 रुपीज लगाई है और क्वालिटी स्कोर है उसका 10 पॉइंट्स। जब 10 × 2 होगा, ठीक है, एड रैंक का फॉर्मूला है क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम बिड, 10 × 2 तो उसका जो एड रैंक है वो हो जाएगा 20। तो इसी वजह से एड रैंक ज्यादा होने की वजह से उसका एड जो है वो सबसे टॉप पे शो हो रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे हैं एडवर्टाइजर 2, उन्होंने 4 रुपीज की बिड लगाई है और क्वालिटी स्कोर है उनका 4। अब क्या हो रहा है कि इनका क्वालिटी स्कोर 4 है और 4 × 4 जो है वो हो गया 16, इनका दूसरे नंबर पे है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजर 3, इन्होंने क्या किया हुआ है, 6 रुपीज बिड लगाई है और क्वालिटी स्कोर जो है वो है 2, तो इसकी वजह से इनका 6 × 2 क्वालिटी स्कोर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम बिड जो है एड रैंक है वो 12। उसके बाद सबसे लास्ट पे है एडवर्टाइजर 4, जिन्होंने 8 रुपीज की बिड लगाई लेकिन क्वालिटी स्कोर जो है वो बहुत बुरा है, ठीक है, इस वजह से इनका जो है सबसे कम हमें नजर आ रहा है एड रैंक। अब यहां पर ये जो हमारा फॉर्मूला है, हमारी प्राइस का फॉर्मूला,
वो किस तरह से तय होगा? एड रैंक तो हमारा तय हो गया इन चीजों के जरिए से, एड रैंक जो है हमारा वो तय हो गया हमारा क्वालिटी स्कोर और बिड स्ट्रेटेजी से, ठीक है। अब क्वालिटी स्कोर किस तरह तय हुआ ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये है हमारी मैक्सिमम बिड, यहाँ पे भी हमारी बिडिंग स्ट्रेटेजी आ रही होगी, वो हमारी मैक्सिमम बिडिंग स्ट्रेटेजी है। हम 2 रुपीज जो है वो मैक्सिमम कह रहे हैं, या एडवर्टाइजर 2 जो है वो 4 रुपीज मैक्सिमम कह रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने अगर 2 रुपीज कहे हैं तो हर क्लिक के हमसे 2 रुपीज ही चार्ज किए जाएंगे, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है। इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये हमने एक लिमिट सेट कर दी, गूगल को बता दिया कि एक क्लिक के मैं 2 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। तो हमारा जो एड रैंक है, क्वालिटी स्कोर, उन चीजों के मुताबिक और जितना हमने ऑप्टिमाइज किया होगा अपना एड, उसके मुताबिक हमसे कम काटे जाएंगे। 2 रुपए जो है वो मैक्सिमम लिमिट है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब हमारे पास जो है प्राइस, वो किस तरह से तय होगी? हमारी जो प्राइस है वो तय होगी द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू डिवाइडेड बाय योर क्वालिटी स्कोर प्लस 0.01। एडवर्टाइजर 1 की एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहली चीज है द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, हमारे नीचे है पर्सन 2, एड रैंक इनका क्या है 16, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 16। उसके बाद योर क्वालिटी स्कोर, हमारा क्वालिटी स्कोर क्या है 10 डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा 10 प्लस 0.01। और इसके जरिए से हमारा जो टोटल एक्चुअल सीपीसी होगा, सीपीसी क्या होता है कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के हम कितने पैसे दे रहे हैं, तो वो चीज हो जाएगी हमारी एवरेज सीपीसी जो है वो हमारा होगा, एक्चुअल सीपीसी होगा 1.61। अब ये है हमारा वो प्राइस जो एक क्लिक की हमें पड़ेगी, एक क्लिक के जरिए से, एक क्लिक के बदले में हमें जितने पैसे देने पड़ेंगे वो है 1.61। हम तो 2 लगा के बैठे थे लेकिन 1.61 ये है कि हमने 2 मैक्सिमम कहा था तो उससे कम ही लगी है। उसके बाद एडवर्टाइजर 2 की अगर एग्जांपल लें द एड रैंक ऑफ द पर्सन बिलो यू, इनके नीचे कौन सा पर्सन है एडवर्टाइजर 3, उनका एड रैंक क्या है 12, तो यहां पर आ जाएगा 12 और क्वालिटी स्कोर हमारा अपना डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 0.01 और ये हो जाएगा 3 रुपीज। इसी तरह इन्होंने 4 लगाया था लेकिन कटेंगे इनसे 3.01। एडवर्टाइजर 3 की अगर एग्जांपल लें, उनका जो है अगर उनके नीचे जो बंदा है उसका जो है हम एड रैंक देखें तो वो है 8, 8 डिवाइडेड बाय हमारा क्वालिटी स्कोर वो हो जाएगा 8/2, आंसर होगा 4, 4 प्लस 0.01 तो ये हो जाएगा 4.01। और एडवर्टाइजर 4 जो है उनको तो बहुत ज्यादा जो है सीपीसी पड़ेगा क्योंकि उनका जो क्वालिटी स्कोर है वो बहुत कम है, तो उस हिसाब से गूगल जो है उनसे सबसे ज्यादा जो है पैसे काटेगा। अब ये वो फॉर्मूला है जिसके जरिए से हमारा जितने भी प्राइस है वो डिफाइन होती है, हमारा जो एड रैंक है वो डिफाइन होता है, दोनों चीजें इसी के जरिए से डिफाइन होंगी कि हमारा एड के हमसे कितने पैसे काटे जाएंगे। और दूसरी चीज के पैसे तो चले जितने भी काटे जाएंगे, हम बजट ज्यादा रख देते हैं, एवरेज सीपीसी भी हमने ज्यादा सेट कर दिया बिडिंग के ऊपर, लेकिन हमारा जो क्वालिटी स्कोर है अगर वो कम होगा, चाहे हम बजट जितना भी लगा दें, क्वालिटी स्कोर अगर हमारे कंपटीटर का हमसे ज्यादा है तो उसका एड जो है वो टॉप पे शो होगा, हमारा उससे नीचे ही शो होगा। तो ये थी हमारा कंप्लीट डिटेल हमारी प्राइसिंग और एड रैंक के रिलेटेड, एड रैंक और हमारा क्वालिटी स्कोर जो है उसके रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरो, मिलियनेयरो जब हम कोई भी एड रन कर रहे होते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास उसको हम किस तरह से जज करते हैं, उसके बाद हमारे पास कॉस्ट मॉडल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमारे पास जो बिड स्ट्रेटजीज होती हैं उनमें कौन से मॉडल्स होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक एड रन किया तो सिंपल सबसे पहली चीज तो जो है हमारे पास वो आ रही होगी उसकी कॉस्ट, यहाँ पर जितने भी रिजल्ट हैं उन सारी चीजों को हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रिजल्ट की जगह हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं कॉस्ट, हमें पता चल जाएगा 61,000 रुपीज के यहाँ पर जो है एड्स रन हो चुके हैं। बट यहाँ पर अगर किसी और चीज को हम चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जिस तरह से पहले यहाँ पर थे क्लिक्स, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक्स चेंज कर लिए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें दो चीजें शो हो रही हैं, एक है क्लिक और दूसरा है इंप्रेशन। अब क्लिक में और इंप्रेशन में इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले तो ये देख लेते हैं कि मेरे सामने एक एड आया, मेरे सामने एक एड शो हुआ, चाहे वो गूगल एड के जो यूट्यूब एड से, चाहे वो गूगल एड के प्ले स्टोर में ऐप एड से, चाहे वो किसी भी और वेबसाइट के ऊपर मुझे बैनर एड की फॉर्म में नजर आया, एड की कोई भी टाइप हो, एक मर्तबा मेरे सामने वो ट्रिगर हुआ, मुझे नजर आया। जब मुझे नजर आया तो एक मर्तबा नजर आने का मतलब है कि वो एक इंप्रेशन काउंट हो जाएगा।
मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है या नहीं किया ये मैटर नहीं करता, बट जैसे ही मेरे सामने वो एक मर्तबा एड नजर आया तो वो एक इंप्रेशन शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 100 बंदों के सामने नजर आया जिसमें से 10 बंदों ने क्लिक किया, तो अब क्लिक काउंट होंगे 10 और जो 100 बंदों के सामने नजर आया था वो शो होंगे, वो काउंट होंगे उसके इंप्रेशन। अब इसमें भी एक और चीज है, अगर मेरे सामने एड शो हुआ, अब ये भी जरूरी नहीं है कि 100 बंदों के सामने नजर आया है तो वो 100 ही इंप्रेशन होंगे, वो इंप्रेशन ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम तो 100 होंगे लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वो किस तरह से, मेरे सामने एक एड आया और मैंने क्लिक नहीं किया वो काउंट होगा एक इंप्रेशन। सेकंड सिनेरियो ये है, मेरे सामने एक एड आया और मैंने क्लिक किया तो वो एक इंप्रेशन भी काउंट होगा और एक उसका क्लिक भी काउंट होगा। सेकंड सिनेरियो ये था। अब थर्ड सिनेरियो ये है, मेरे सामने एक एड 3 मरतबा आया या 5 मरतबा आया, तो फॉर एग्जाम्पल 5 की एग्जाम्पल लेते हैं, 5 मरतबा मेरे सामने आया तो उसके 5 इंप्रेशन जो है वो काउंट हो जाएंगे बट जो क्लिक है वो काउंट नहीं होगा। सेकंड जो है ये है कि अगर 5 मरतबा शो हुआ और मैंने उनमें से 1 मरतबा क्लिक कर लिया तो क्लिक तो एक काउंट होगा लेकिन इंप्रेशन जो है वो 5 ही काउंट होंगे। तो इंप्रेशन को सिंपल ये समझ लें कि जितनी मर्तबा एड शो होगा वो हमारे इंप्रेशन है और जितने उसमें से क्लिक्स होंगे तो वो तो डेफिनेटली क्लिक्स ही हैं। उसके बाद कॉस्ट, तो डेफिनेटली क्या है, कॉस्ट है हमारे एड की वो कीमत, वो रकम जो हमने एड के ऊपर स्पेंड की है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास सीपीएम। सीपीएम क्या होता है, सीपीएम कहते हैं कॉस्ट पर माइलस्टोन, कॉस्ट पर माइलस्टोन के एक माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ी है। अब वो माइलस्टोन क्या है, माइलस्टोन यहां पर कहते हैं 1000 इंप्रेशंस को। ठीक है, 1000 इंप्रेशंस या 1000 व्यूज, 1000 मरतबा जब एड हमारे सामने शो हुआ, हमारे ऑडियंस के सामने 1000 मरतबा जो है वो एड शो हुआ, तो उस 1000 मरतबा एड को शो करवाने के लिए हमने कितनी अमाउंट स्पेंड की, कितनी अमाउंट जो है वो हमारी स्पेंड हुई, तो उसको कहते हैं सीपीएम, कॉस्ट पर माइलस्टोन। यहां पर हमारा सीपीएम है 195। 1000 लोगों तक हमारा जो एड है वो पहुंचने के लिए हमें 195 रुपए देने पड़े हैं। ठीक है, और इंप्रेशन जो है वो हमारे 3,13,000 है और क्लिक्स जो है वो 4,240 है। उसके बाद सीपीएम तो हो गया कॉस्ट पर माइलस्टोन, 1000 के लिए हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ी है। नेक्स्ट है हमारी एवरेज सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के लिए हमें कितने पैसे देने पड़े हैं। अब ये सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपए का एड रन किया था और उसमें से मुझे 100 क्लिक्स मिले हैं। अब जब 100 क्लिक्स मिले हैं तो हमारा जो एवरेज सीपीसी होगा वो क्या होगा, जो हमारी टोटल कॉस्ट है 1000 डिवाइडेड बाय हमें जो क्लिक्स मिले हैं 100, तो 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा जो सीपीसी होगा वो होगा 14.34। अब ये जो सीपीएम है या सीपीवी है, सीपीसी है या सीपीएम है, ये दोनों चीजें हमारे पास हैं एवरेज। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा ऐड जो है वो 1 लाख बंदों तक गया है। ठीक है, या 10,000 की एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10,000 बंदों तक गया है, पहले 1000 तक पहुंचने के लिए उसको 250 रुपए लगे हैं, दूसरे 1000 बंदों तक पहुंचने के लिए उसे 200 रुपए लगे हैं, तीसरे 1000 बंदों तक पहुंचने के लिए 150 रुपए लगे हैं। ठीक है, वैसे कॉस्ट हमारी जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती आती है जैसे जैसे हमारा एड रन होता है, उसके कौन से फैक्टर्स होते हैं, वजह ही होती है कि हमारे पास जो डाटा है वो आता रहता है और जो हम एड में वैसे चेंजेस भी करते रहते हैं और हमारी परफॉर्मेंस वैसे भी बेटर होती रहती है। अब इसमें एक तो ये है कि ये एवरेज, जरूरी नहीं है कि हर 1000 पर हमें 195 ही देने पड़े और हर क्लिक के ऊपर हमें 14.38 भी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि नहीं काटे गए। ऐसा हो सकता है कोई एक ऐसा क्लिक हो जिसके ऊपर हमारे 30 रुपीज काटे गए हो, और कोई एक ऐसा क्लिक हो जिसके ऊपर हमारे 5 रुपीज काटे गए हो, एक ऐसा क्लिक हो जिसके ऊपर 20 रुपए काटे गए हो। जितने भी क्लिक्स की कॉस्ट होगी उन सबको इकट्ठा किया जाएगा, 1000 हमारी कॉस्ट आ गई, और कितने क्लिक्स हैं 100, उस हिसाब से हमारा जो एवरेज सीपीसी है वो डिफाइन होगा, एवरेज सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। अब इसमें एक और चीज है कि हमारे पास सीपीएम भी आ गया, सीपीएम
सीपीसी भी आ गया और हमारे पास इंप्रेशंस भी आ गए, क्लिक्स भी आ गए। अब जो हमारा एक और चीज है वो है सीटीआर। सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या चीज है कि अगर 100 बंदों के सामने हमारा एड आया है, अब 100 इंप्रेशंस आए हैं, 100 इंप्रेशंस में से हमारे पास अगर 100 इंप्रेशंस में से 10 क्लिक्स आए हैं तो हमारा जो क्लिक थ्रू रेट है वो है 10% हमारा जो है क्लिक थ्रू रेट है या क्लिक थ्रू रेशियो है, तो उसको हम कहेंगे क्लिक थ्रू रेशियो। उसके बाद एक और चीज है कि हमारा जो क्लिक है वो तो इस तरह से डिफाइन होगा। अब सेकंड सिनेरियो है कि हमारा एक तो है इंप्रेशन, सेकंड अगर हम वीडियो एड रन कर रहे हैं तो हमारा जो व्यू है वो तब कब काउंट होगा? फॉर एग्जांपल किसी ने एड स्किप कर दिया तो क्या वो हमारा व्यू काउंट होगा? वो हमारा इंप्रेशन तो काउंट होगा लेकिन व्यू काउंट नहीं होगा। व्यू कब काउंट होता है? अगर कोई बंदा हमारे एड के ऊपर क्लिक करता है तो उसको व्यू काउंट किया जाता है, या अगर क्लिक नहीं करता और हमारे एड ड्यूरेशन जो है वो बड़ी है, बड़ा एड लगा है हमने, 2 से 3 मिनट का एड है या 1 मिनट का एड है, उसको अगर 30 सेकंड से ज्यादा वॉच किया गया है तो भी उसको व्यू काउंट किया जाएगा। इन दोनों सिनेरियोज में व्यू काउंट किया जाता है। और अगर किसी ने 30 सेकंड से ज्यादा देखा है और क्लिक नहीं भी किया तब भी व्यू काउंट होगा। और सेकंड सिनेरियो उसका ये होता है कि अगर किसी ने 10 सेकंड देखा है और क्लिक किया है, इंप्रेशन भी काउंट होगा, क्लिक भी काउंट होगा, और 30 सेकंड नहीं भी देखा तब भी क्लिक क्योंकि कर लिया है इस वजह से उसको भी व्यू काउंट किया जाएगा। अब हम अक्सर बिड लगाते हैं, बिडिंग स्ट्रेटेजी हमारी दो तरह से हो सकती है यहाँ पर, या हम सीपीएम पे कर सकते हैं या सीपीसी या सीपीवी पे कर सकते हैं। सीपीएम पे हम क्या कर सकते हैं, बिड लगा सकते हैं कि हम 100 रुपया देंगे 1000 लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है। या सीपीसी पे हम दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 रुपए देंगे एवरेज इस एड के लिए एक क्लिक के लिए, या व्यूज के लिए भी इसी तरह हो सकता है कि 1 रुपया देंगे हम एक व्यू के लिए। तो ये बिडिंग स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है। अब बिड किस तरह सेलेक्ट करते हैं, आगे जब हम एड को क्रिएट करेंगे तो इस चीज को आगे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरो। मिलियनेयरो जो हमारा एड है वो कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, उसका कॉस्ट फैक्टर किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, उसका जो रिजल्ट फैक्टर है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, यहाँ पर हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें डिवाइसेस नजर आ रहे हैं। अब डिवाइसेस में क्या है कि यहाँ पर हम देखें मोबाइल फोन्स में हमारा एड जो है कहाँ पर नजर आ रहा है, हम यहाँ पर जो है चीजों को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं CPM को चेंज कर देता हूँ, कॉस्ट पर माइलस्टोन के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉस्ट पर माइलस्टोन के हिसाब से हमें सबसे बेस्ट जो है मोबाइल फोन्स में डेफिनेटली हमारा कॉस्ट पर माइलस्टोन जो है वो सबसे ज्यादा एड जो है वो हमारा नजर कॉस्ट पर माइलस्टोन के हिसाब से मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, और 283,879 इंप्रेशन जो है वो हमारे आए हैं, ठीक है। CPM के हिसाब से देखें तो सबसे बेस्ट जो हमारा CPM है वो 177 पड़ रहा है मोबाइल फोन्स के हिसाब से। टैबलेट्स में अगर हम देखें तो 17,522 इंप्रेशन हमें मिले हैं, और 79 रुपीज जो हमारा टैबलेट के हिसाब से CPM हमें पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम PC की बात करें, लैपटॉप्स की, कंप्यूटर्स की, तो उसमें जो है हमें 6,239 इंप्रेशन मिले हैं जो कि टोटल का हमारा सिर्फ 2% है, और जो इसकी कॉस्ट है वो हमें बहुत ज्यादा हाई पड़ रही है, 1159 रुपए 1159 रुपीज हमें पड़ रही है सिर्फ 1000 लोगों तक दिखाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सबसे एंड पे टीवी स्क्रीन में हमारे सिर्फ 5177 इंप्रेशन है जो कि टोटल का हमारा जस्ट 1.7% है, और कॉस्ट पर माइलस्टोन बहुत ज्यादा हाई पड़ रही है, हमें 350 रुपीज हमें देने पड़ रहे हैं हमारे 1000 लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे बेस्ट हमारे पास जो CPM के हिसाब से है वो है टैबलेट्स, दूसरे नंबर पे है हमारे पास मोबाइल्स, और टीवी स्क्रीन्स पे और कंप्यूटर्स पे तो बहुत ज्यादा हाई पड़ रही है। इंप्रेशन के हिसाब से भी देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो इंप्रेशन है मोबाइल फोन में है, ठीक है। और यहाँ पर CPM हमने लगाया, यहाँ पर हमने क्या लगाया, इंप्रेशंस लगाया, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई भी और चीज अगर लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम CTR लगा देते हैं,
क्लिक थ्रू रेशियो कितनी है, तो वो भी हमारी टैबलेट्स में मोबाइल फोन्स में जो है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर अगर हम जस्ट इंप्रेशंस जो यहाँ पे आ गए, ठीक है, टोटल कॉस्ट को अगर लगाना चाहें या टोटल व्यूज को यहाँ पे लगाना चाहें, ठीक है, या व्यू रेट को लगाना चाहें, अब हम अगर व्यूज को लगा देते हैं तो यहाँ पर हमें पता चल रहा होगा कि कितने व्यूज हमें मिल रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें तो जो चीज पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्यू और चीज होती है और इंप्रेशन और चीज होती है, तो अब यहाँ पर इंप्रेशन जो है वो 283,000 है और यहाँ पर जो व्यूज हैं वो 11,601 हैं, ठीक है। तो इस चीज को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम नेटवर्क्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है क्लिक्स कॉस्ट और सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से। सबसे पहले हमारे पास गूगल सर्च में हमें 429 क्लिक्स मिले हैं। सेकंड हमारे पास जो है वो सर्च पार्टनर्स हैं 104, 391 क्लिक्स हमें मिले हैं यूट्यूब वीडियो से, और सबसे ज्यादा हमें क्लिक्स मिले हैं 3316 डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डिस्प्ले एड कैंपेन जो है वो रन किया है तो हमें जो ज्यादा फायदा हुआ है वो डिस्प्ले नेटवर्क से हुआ है। उसके बाद कॉस्ट जो है हमें सबसे ज्यादा कॉस्ट हमारी जो है वो है हमारे पास 23,000 गूगल सर्च एड में हमने रन किए हैं। उसके बाद जो हमारे सिर्फ 861 जो है सर्च पार्टनर्स पे रन हुई है और 19,445 की हमारी यूट्यूब वीडियोस रन हुई हैं। उसके बाद सिर्फ 8 रुपीज के हमारे पास रन हुए हैं यूट्यूब सर्च के ऊपर, जितने 60,000 की हमारी कैंपेन्स रन हुई हैं जिसमें से सिर्फ 8 रुपये बहुत कम है। और सबसे एंड पे हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है डिस्प्ले नेटवर्क की वो है 17,439 रुपए। अब इसी हिसाब से इस कॉस्ट को अगर देखें कि हमें डिस्प्ले नेटवर्क पे क्लिक मिले हैं ऑलमोस्ट 3,000, वो मिले हैं 17,000 में, और जो हमारे पास गूगल सर्च में क्लिक मिले हैं वो 400 और वो मिले हैं 23,000 में, तो गूगल सर्च एड के हिसाब से हमारा जो सीपीसी या कॉस्ट पर क्लिक है वो 54 रुपीज है, और यहाँ पर अगर डिस्प्ले नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 5 रुपीज है। तो 10 गुना का फर्क है हमारे पास यहाँ रिजल्ट में हमें नजर आ रहा है कि ज्यादा जो हमें फायदा हो रहा है वो अगर हम बैनर एड्स क्रिएट करें, जो कि बैनर एड डेफिनेटली डिस्प्ले नेटवर्क्स पे नजर आएंगे, तो उससे हमें क्लिक्स जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू हमारा जो सर्च एड है। और जो हमारा दरमियान में है वो है हमारा YouTube वीडियो एड में हमें 49 रुपीज का पड़ रहा है, यहाँ 54 का पड़ रहा है। 49 भी बहुत ज्यादा है, 54 भी बहुत ज्यादा है। जो सबसे बेस्ट हमें पड़ रहा है वो है हमारा CPC 5 रुपीज 5 रुपए में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर जेंडर और एज। अब जेंडर में हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो एड है ज्यादा कहाँ पे देखा जा रहा है, मेल्स ज्यादा देख रहे हैं और फीमेल्स जो है वो कम देख रहे हैं। एज के हिसाब से अगर हम फिल्टर करें तो एज में हमें नजर आ रहा है कि हमारा एड जो सबसे ज्यादा है 25 साल से 34 साल के लोगों के दरमियान नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है यहाँ पर 18 से 24 और थर्ड पे इसी तरह 35 से 44, इसी तरह आगे जो है कम होता आ रहा है उस एज के हिसाब से। ये है हमारे पास डेमोग्राफिक्स। एज और जेंडर दोनों को एक साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जो है हमारे पास 18 साल से 24 साल के मेल्स, उनमें 726 क्लिक्स हैं और फीमेल्स में जस्ट 144। सबसे बेस्ट जो हमें दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 25 से 34 साल के जो मेल्स हैं उनमें 853 क्लिक्स हैं, ठीक है। और ये कंपैरिजन आप अगर बाद में सारी चीजों को डिटेल में देखना चाहें तो एक एक को यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं, जेंडर और एज के दोनों के कंपैरिजन को एक साथ। सेम इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास है डे। अब हमारा एड किस दिन सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, हमने 7 दिन का एड लगाया तो किस दिन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। संडे वाले दिन हमारे पास 700 क्लिक्स हैं, ठीक है। अब इन चीजों को चेंज करना चाहें, क्लिक्स को, इंप्रेशंस को, कॉस्ट को, अब हम यहां पर करते हैं CPM, कॉस्ट पर माइलस्टोन हमें किस दिन सबसे अच्छा पड़ रहा है। अब अगर आप देखें तो हमारा संडे वाले दिन जो क्लिक्स हैं वो कितने आ रहे थे और कॉस्ट पर माइलस्टोन है वो है 73 रुपीज। सबसे बेस्ट हमारे पास जो चल रहा है वो है यहाँ पर संडे वाले दिन, और सबसे ज्यादा रेट हमें जो पड़ रहा है कॉस्ट पर माइलस्टोन का वो वेडनेसडे को पड़ रहा है। उसी तरह से थर्सडे को उससे कम है और फ्राइडे को 290 है। उसके बाद मंडे को हमारे पास 256 है, ट्यूसडे को 252 है। जो सबसे बेस्ट हमारे पास दो आ रहे हैं वो वीकेंड पे। अब हमें पता चल रहा है कि वीकेंड पे हमारे एड जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं सैटरडे संडे में, 105 रुपए यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास है 73 रुपीज। इसी तरह से हम आवर्स में भी देख सकते हैं कि कौन से घंटे में
दिन और रात में किस वक्त में हमारा एड जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो 12 से 1 के दरमियान हमें सीपीएम क्या पड़ रहा है, ठीक है, इसी तरह से 7 से 8 के दरमियान। अब टोटल अगर हम देखें हमारा सबसे बेस्ट एड परफॉर्म कर रहा है 8 सुबह 8 बजे से 9 बजे के दरमियान, और दूसरा है हमारा सुबह 4 से 5 के दरमियान। अब कुछ एड्स हमारे ऐसे हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास जो है हो सकता है कि सुबह के वक्त ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, किसी में शाम के वक्त परफॉर्म कर रहा हो। तो ये जो है ये टोटल एवरेज है तमाम एड्स की। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर मुझे ऑल कैंपेन्स नजर आ रही हैं, टोटल जो 18 कैंपेन्स हैं। किसी एक कैंपेन को अलहदा से आप सेलेक्ट करके उस एक कैंपेन का अलहदा से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ मैं कंप्लीट ओवरव्यू देख रहा हूँ पूरे अकाउंट का। अब यहाँ पर हमने देखा किस दिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा किस घंटे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जेंडर और एज की तरह दोनों चीजों को एक साथ भी देख सकते हैं। डे एंड आवर को यहाँ पर कर लें तो हमें नजर आ रहा है कि थर्सडे वाले दिन 11 बजे से लेके 12 बजे तक जो है कॉस्ट पर माइलस्टोन हमारा बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है, और इसी तरह से हमारे पास जो है बेस्ट कॉस्ट पर माइलस्टोन यहाँ पर अगर हम देखें 24 रुपीज कॉस्ट, 247, और यहाँ पर है 119, यहाँ पर है जस्ट 92, यहाँ पर 223, 241, यहाँ पर हमारे पास जो है 149, 158, और इसी तरह जस्ट 31 रुपीज, यहाँ पर है जस्ट 39 रुपीज। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मंडे वाले दिन 12 बजे से पहले 11 बजे के बाद जो हमारा सीपीएम जो है 31 रुपीज होता है। इन चीजों को हम क्यों देख रहे हैं, इन चीजों के जरिए से जब हम एड रन करते हैं 24 घंटे एड रन हो जाता है, यहाँ पर हमें कुछ डाटा मिल जाता है, उस हिसाब से एड में हम चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डेमोग्राफिक्स में देख रहे हैं कि मेल्स में एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फीमेल्स में बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, तो हम चेंज कर सकते हैं, हम कैंपेन में कैंपेन को सेट कर सकते हैं और फीमेल्स में एड जो है वो ना दिखाएं। आगे जाकर ये चीजें कैसे करते हैं, इन चीजों को सेट कैसे करते हैं, शेड्यूल किस तरह लगाते हैं डेमोग्राफिक्स में, जेंडर्स में, इन चीजों को सेट कैसे करते हैं, इन चीजों को आगे जाके इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिलनेरो। मिलनेरो, जब भी हम कोई कैंपेन सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करते हैं अपने कीवर्ड्स के जरिए से, टैग्स लगा के, कीवर्ड्स लगा के हम अपने एक ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं। अब डेमोग्राफिक्स में किस तरह सेलेक्ट करेंगे, एज में, जेंडर में, वो चीजें तो हम आगे जाके डिटेल में बाद में देखते हैं, कैंपेन भी क्रिएट करेंगे उसमें भी देखेंगे डिटेल में। अब कीवर्ड में हम किस तरह से टारगेट करते हैं, उसी तरह उसी एग्जाम्पल को अगर लेकर चले, हमारा एक छोटा सा बिजनेस है शूज के रिलेटेड, और शूज के रिलेटेड हमारा ई कॉमर्स स्टोर है, तो हम क्या करेंगे उसी शूज के रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे ताकि जो लोग उन चीजों को सर्च कर रहे हैं उनके सामने हमारा एड आए। अब कीवर्ड की टाइप्स कौन सी होती हैं और उसका रिजल्ट हमें कहां पर नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कीवर्ड्स का। अब कीवर्ड्स में हमें क्या नजर आ रहा होगा, यहाँ पर हमारे जो कीवर्ड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही होगी। अगर मैं यहाँ पर इन कीवर्ड्स को देखूं, सबसे टॉप पे मैं अगर कॉस्ट के हिसाब से कर लूं या क्लिक्स के हिसाब से, ठीक है, तो इनको फिल्टर भी कर सकते हैं। अब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक कीवर्ड है क्लोथ्स, इसके ऊपर हमारा क्या रिजल्ट है, हमें टोटल इंप्रेशन कितने मिले हैं, ठीक है, 687 इंप्रेशन है जिसमें से 44 क्लिक्स हैं, ठीक है, और कॉस्ट हमारी क्या है, सीपीएम क्या है, ये सारी चीजें इनका रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद यूके क्लोदिंग है, ठीक है, इसके रिलेटेड हमने एक सर्च एड क्रिएट किया था, उसमें 212 इंप्रेशन में हमारे पास जो है 19 क्लिक्स हैं, ठीक है, 19 क्लिक्स यहाँ पे आ रहा है, उसके कॉस्ट क्या पड़ी, ठीक है, कॉस्ट पर माइलस्टोन क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, ये सारी चीजें आप बाकी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास आ रही होती है। उसके बाद एक चीज है यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी एक कैंपेन के लिए, यहाँ पे हम कैंपेन के लिए नेगेटिव कीवर्ड सेलेक्ट करना चाहें, नेगेटिव कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम जो है कैंपेन के लिए कर रहे हैं, एड ग्रुप के लिए कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कैंपेन के लिए करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट है कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, कौन सी हमारी कैंपेन है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी ये एक्टिव एक एक्टिव कैंपेन है, ठीक है, मैं इसके लिए करूंगा नहीं क्योंकि हमारी ये कैंपेन वैसे रन हो रही है, अगर हम करना चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पर जो है हम कीवर्ड जो है टाइप करके यहां से सेव कर देंगे। अब नेगेटिव कीवर्ड हम लगाते क्यों है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ऐप है या सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हम वो सेल कर रहे हैं, वो पेड सॉफ्टवेयर है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम उसका एड रन कर रहे हैं और वो पेड सॉफ्टवेयर है, तो
तो हम क्या करेंगे उसके साथ अगर एक वर्ड कोई लगा देता है फ्री, ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर, हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है फ्री सॉफ्टवेयर कोई भी लिखता है तो उसको हमारा एड जो है वो शो ना हो, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो पेड सॉफ्टवेयर है। ये हो गया नेगेटिव कीवर्ड की एग्जांपल। दूसरा, अगर हमारा कीवर्ड है उसके सामने हम लगा देते हैं कोई वर्ड क्रैक, ठीक है, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको कोई क्रैक करने की कोशिश कर रहा है या क्रैक डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, तो भी हमारा जो पेड सॉफ्टवेयर है ओरिजिनल वो शो कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है नेगेटिव कीवर्ड की हमारे पास एक एग्जांपल। उसके बाद अगर हम देखें तो कीवर्ड की टाइप्स जो है, सबसे पहली टाइप है हमारे पास ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच क्या होता है? ब्रॉड मैच में हमारे पास होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा एड पहुंचाया जाए, हम ब्रॉड मैच में लगाते हैं। उसके लिए हमें कोई सिंबल कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं है, और होता क्या है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, सिनोनिम्स हैं, कोई भी चीज है उससे रिलेटेड कोई भी चीज है वो भी आ जाएगी। इसकी एग्जांपल है यहाँ पे वुमेन्स हैट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर कोई बंदा बाय लेडीज हैट्स करेगा, बाय लेडीज हैट्स सर्च करेगा, तो भी हमारा एड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। वुमेन्स का सिनोनिम है लेडीज, ठीक है, और हैट्स जो वर्ड है वो हमारा इंक्लूडेड है। ऐसा भी हो सकता था कि वुमेन्स हैट्स की जगह वुमेन्स कैप्स कोई सर्च करता तो भी हमारा एड जो है वो ट्रिगर हो सकता था, क्योंकि वो इसके रिलेटेड है, इससे रेलेवेंट है। तो ब्रॉड मैच में हमें कोई सिंबल लगाने की जरूरत नहीं होती, और वुमेन्स हैट्स सर्च करेगा कोई तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, रिलेटेड सर्चेज होंगी, सिनोनिम्स होंगे, तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में क्या होता है कि यहां पर जो फॉर एग्जाम्पल हम अगर लगा रहे हैं कीवर्ड, तो उससे पहले हमें प्लस लगाना होगा, प्लस वुमेन्स प्लस हैट्स, ठीक है, इसके सामने हमें प्लस और कीवर्ड लगाना होता है, प्लस वुमेन्स प्लस हैट्स, इस तरह से लगाएंगे तो हमारा ब्रॉड मैच मॉडिफायर जो है वो कीवर्ड बन जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी, सिनोनिम्स जो है वो नहीं होंगे, ठीक है, क्लोजर वेरिएशंस नहीं होंगी, लेकिन इसके अंदर जो इसके ब्रॉड मैच है, ठीक है, इसकी मॉडिफाइड टर्म है वो इंक्लूड हो सकती है, इसी के रिलेटेड होगी, इसी के रिलेटेड, लेकिन इसी के रिलेटेड मॉडिफाइड टर्म होगी। एग्जांपल यहां पर है वुमेन्स हैट्स, यहां पर वुमेन्स और हैट्स दोनों वर्ड इंक्लूडेड है, हैट्स भी और वुमेन भी, लेकिन हैट्स फॉर वुमेन कोई सर्च करेगा क्योंकि कीवर्ड तो वही है, लेकिन टर्म जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड है, तो हमारा एड जो है उस पर ट्रिगर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में क्या होगा कि अगर कोई फ्रेज सर्च किया जा रहा है, एक लाइन तहरीर सर्च की जा रही है, और उसके अंदर हमारा जो एड है उसके रिलेटेड जो कीवर्ड हमने लगाया है वो कीवर्ड आ रहा है, तो हमारा एड जो है उसमें ट्रिगर हो सकता है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस कीवर्ड को हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना होगा। इन्वर्टेड कॉमास में हमें रखेंगे तो वुमेन्स हैट्स जो है, ठीक है, यहां पर नजर आ रहा है। उसके बाद अगर एग्जांपल में देखें तो बाय वुमेन्स हैट्स अगर लिखेगा कोई तो भी हमारा एड जो है वो आएगा, क्योंकि चीज वही है लेकिन वो फ्रेज में आ रही है, एक वर्ड बाय जो है वो एक्स्ट्रा लगा है, लेकिन हमारा जो कीवर्ड है वो एज इट इज आ रहा है। तो अब इसमें ये नहीं होगा कि कोई भी मॉडिफाइड टर्म नहीं होगी, कोई क्लोज वेरिएशन नहीं होगा, कोई सिनोनिम नहीं होगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी, लेकिन उसकी मॉडिफाइड टर्म उसके साथ कोई एक और वर्ड चाहे यूज हो रहा है, दो वर्ड और यूज हो रहे हैं, लेकिन हमारा कीवर्ड जो है वो इंक्लूड हो रहा है, तो एड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। और सबसे लास्ट पे हमारे पास है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में हमें जो है ब्रैकेट्स के अंदर रखना होता है कीवर्ड को, जो हमारी लार्ज ब्रैकेट्स हैं, लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर रखना होता है कीवर्ड को, और वो होता है हमारे पास एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में जो हमारे पास क्लोज वेरिएशंस होती हैं, और सबसे एंड पे हमारे पास है एग्जैक्ट मैच। ज्यादातर वही चीज होती है कि एज इट इज कोई सर्च करेगा तो हमारा एड जो है वो ट्रिगर होगा। एग्जाम्पल में भी हमारे पास वुमेन्स हैट्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर सर्च एग्जाम्पल जो है वो भी हमारे पास वुमेन हैट है, कि अगर कोई एग्जैक्ट यही टर्म सर्च करेगा तब हमारा जो एड है वो उसके सामने आएगा, और इसको हमें रखना होता है ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं कीवर्ड्स की, जब आगे हम कैंपेन क्रिएट करेंगे तो कीवर्ड टाइप्स ये हैं, और उसको यूज करेंगे किस तरह से ऐड कर सकते हैं कैंपेन टाइप्स कैंपेन के अंदर, तो उसको आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मिलिनेरो। जब भी हम कोई ऐड रन कर रहे होते हैं तो उस ऐड को रन करने के लिए हमारी जो ऑडियंस है उस तक पहुंचने के लिए हम कुछ कीवर्ड यूज करते हैं। अब वो जो कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं उसकी टाइप्स को पहले हमने डिस्कस किया।
अब वो जो कीवर्ड्स हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि इस लोकेशन में इस हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है इसके रिलेटेड कौन सा कीवर्ड जो है वो सर्च हो रहा है, कौन सा कीवर्ड इस वक्त ट्रेंडिंग में है और कौन से कीवर्ड के ऊपर हमें कितना पे करना पड़ सकता है, उसकी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है उसके अंदर सबसे ज्यादा पे करना पड़ सकता है, कम पे करना पड़ सकता है, तो उसकी कॉस्ट फैक्टर्स जो हैं उनको अगर हमें एनालाइज करना हो, इसी से रिलेटेड कौन सी चीजें सर्च हो रही हैं, तो इन चीजों को हमें देखने के लिए हमें एक टूल मिलता है गूगल की तरफ से, गूगल कीवर्ड प्लानर। अगर आप गूगल में लिखेंगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वो टूल अवेलेबल है, टूल्स एंड सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास वो अवेलेबल है कीवर्ड प्लानर। जैसे ही हम कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो हम कीवर्ड प्लानर में अपने जो कीवर्ड्स हैं उनको प्लान कर सकते हैं, उनका कंपटीशन देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड दूसरे कीवर्ड्स जो हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर करनी होगी, अपना कीवर्ड जो है वो सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ वर्ड, मैंने लिखा फ्रीलांसिंग, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना होगा कि वो लोकेशन हम कौन सी सेलेक्ट कर रहे हैं। लोकेशन हमने सेलेक्ट की है पाकिस्तान। अगर आप कोई और करना चाहें तो और लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूएसए को भी साथ टारगेट कर रहे हैं। अब दो एक साथ हमने टारगेट कर ली, जितनी ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहां से हम अभी एक को ही करते हैं, यूएसए को हम जो है खत्म कर देते हैं, ठीक है, और यहां से सिर्फ पाकिस्तान को ही हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। फ्रीलांसिंग वर्ड को हम पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं। यहां पर हम गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अब सबसे पहली चीज ये है कि हमें जो ये रिजल्ट्स हैं वो सर्वे कब से चाहिए। ये हमारे पास फरवरी 22 से जनवरी 2023 तक है। अगर हमें सिर्फ लास्ट मंथ का चाहिए या लास्ट 24 मंथ का चाहिए, 2 साल का चाहिए या ऑल अवेलेबल, जितना डेटा अवेलेबल है सारा। अब कितना डेटा अवेलेबल है, फरवरी 2019 से लेके जनवरी 2023 तक। बट मैं जो रन कर रहा हूं मैं यहां पर लास्ट मंथ का देखता हूं कि अभी इस वक्त इस मौजूदा दौर में क्या कंपटीशन चल रहा है, क्या चीजें सर्च हो रही हैं। सबसे पहले यहां पर हमें नजर आ रहा है वर्ड फ्रीलांसिंग और यहां पर हमें नजर आ रहा है कि एवरेज मंथली सर्चेस, एक मंथ में एवरेज वो कितनी बार सर्च किया जाता है वर्ड फ्रीलांसिंग। यहां पर नजर आ रहा है 1,35,000 मर्तबा गूगल के ऊपर एक वर्ड फ्रीलांसिंग सर्च किया जाता है। लास्ट 3 मंथ चेंज अगर हम देखें तो +23%, 23% जो है ये ऐड हुआ है, ठीक है। अब मेन चीज जो हमें देखनी है वो है यहां पर इसका कंपटीशन। कंपटीशन में अगर आप देखें टॉप ऑफ द पेज जो बिड होती है, ठीक है, जो टॉप ऑफ द पेज हाईएस्ट रेंज बिड है वो उसकी होती है ₹24 और जो लोएस्ट बिड है वो हमारे पास होती है यहां पर ₹5, ₹5 से लेके ₹25 के दरमियान इसका जो है। अब ये जो होगा ये बिड होगी हमारी क्लिक्स के हिसाब से। एक क्लिक जो है इसका तकरीबन पड़ रहा है ₹5 से लेके ₹25 के दरमियान। अब ये एक कीवर्ड हमने सर्च किया था लेकिन इसी कीवर्ड के रिलेटेड यहां पर हमें कुछ और आइडियाज भी मिलेंगे। यहां पर इसी से रिलेटेड क्या सर्च किया जाता है और यहां पर है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, 14,800 मरतबा ये सर्च किया जाता है और इसका कंपटीशन जो है वो मीडियम है, ठीक है। यहां पर इसका कंपटीशन जो है वो लो है, ठीक है, ये कंपटीशन जो है हमें नजर आ रहा है इसका कंपटीशन लो है। अब इस हिसाब से हम अपनी बिड स्ट्रेटेजीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ₹5 से 25 के दरमियान है तो हमें हम कम से कम जो है ₹5 25 से ज्यादा पे बिड लगाएंगे। हम मैक्सिमम जो बिड लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल ₹10 पे लगाते हैं, हो सकता है हमारे ₹6 पड़े, 7 8 9 10 या इससे भी कम, 5.55 के करीब ही जाके पड़े, ठीक है, या 6 से कम ही पड़े, 5.55 ही पड़ जाए। तो ये इस तरह से हम अपने कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो कीवर्ड है इसके अंदर कौन से बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स मतलब कि बड़े ब्रांड्स कौन से हैं। यहाँ पर राइट साइड पे आपको मिल जाएगा ब्रांड्स का सेक्शन। अब ब्रांड्स के सेक्शन में हमें पता चल रहा है वेबसाइट्स के अंदर अगर हम देखें तो वेबसाइट्स के अंदर सबसे टॉप पे हमारे पास फाइवर है, अपवर्क है, उसके बाद यहाँ पर 99designs और इस तरह की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अदर ब्रांड्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर अमेजोन है, पाइथन है, ट्रू कलर है, फेसबुक है, ठीक है, ये हमारे पास अदर ब्रांड्स है, ठीक हो गया, ये हमारे पास है ब्रांड्स। उसके बाद नेक्स्ट है
प्रोफेशनल में अगर हम टारगेट करें तो कौन सी नीशेज जो है वो टारगेट की जा रही है, कंटेंट राइटर सबसे टॉप पे है, वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर और प्रोग्रामर, उसके बाद अदर में हमारे पास जो है वर्डप्रेस एक कीवर्ड है और अदर कीवर्ड जो है काफी सारे कीवर्ड होंगे, एक एक कीवर्ड यहाँ पर लिस्ट नहीं किया गया, अदर में वर्डप्रेस सिंगल कीवर्ड है। तो इस तरह से हम इन चीजों को भी देख सकते हैं कि कौन से तरह से किस तरह से हमारा जो कंपटीटर है वो कौन है, बड़े प्लेयर्स इसमें कौन से हैं, कौन से ब्रांड्स हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं और इसके अंदर कौन से प्रोफेशंस को सर्च किया जा रहा है, हमारा कीवर्ड किस तरह से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसके ऊपर मैक्सिमम हमारी जो बिड लिमिट है वो क्या है, तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर से। उसके बाद यहाँ से हमारे पास डेट है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास गूगल, हम गूगल का रिजल्ट ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज है और यहाँ पर हमारे पास लोकेशन है और ये है हमारे पास कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड है, कीवर्ड को हम चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल सर्च करता हूँ बाय वॉच, अब मैंने बाय वॉच सेलेक्ट कर ली, अब बाय वॉच मैंने दो वर्ड एक साथ सेलेक्ट किए हैं, बाय भी किया है और वॉच भी किया है, यहाँ पर हमारे पास 170 आ रहा है और इसके कंपटीशन जो है वो मीडियम है। अब हमें देखना है कि लो कंपटीशन में कौन से कीवर्ड्स हैं या मीडियम में कौन से कीवर्ड्स हैं, उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जेंडर भी आ जाएगा, डिवाइसेस भी आ जाएंगी, ठीक है, गैस वॉच भी आ जाएगा, यहाँ पर ब्रांड और नॉट ब्रांड में अगर आप देखें, नॉन ब्रांड्स में हमारे पास कितने सर्चेज होते हैं और एप्पल, सैमसंग, कैसियो, रोलेक्स ये ब्रांड्स हैं। उसके बाद मेक में हम देखें, कार मेक में हमारे पास कौन सी चीजें सर्च हो रही हैं, अदर ब्रांड्स में हमारे पास कौन सी चीजें सर्च हो रही हैं, यहाँ पर हमारे पास जेंडर भी आ रहा है, मेन जो है सबसे ज्यादा सर्च करते हैं इस चीज को, हमें पता चल रहा है वुमेन्स जो है वो बाद में सेकंड नंबर पे है। अब डिवाइसेस में अगर आप देखें, एप्पल वॉच को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, सबसे दूसरे नंबर पे है सैमसंग वॉच, फिर है हुआवे वॉच और बाकी जो है बाद में वॉच है, वॉचेज हैं। ठीक है, गैस वॉचेज में वॉच 1, 2, 3 ये कुछ कीवर्ड इस तरह से हैं और अदर्स में हमारे पास जो है कुछ और कीवर्ड्स हैं, यहाँ से हम जो है उसका बिट स्ट्रेटजी भी देख सकते हैं, लोकेशन भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई और लोकेशन लगाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लोकेशन मैं टारगेट कर लेता हूँ, इस लोकेशन की जगह मैं टारगेट करता हूँ यूएसए को, ठीक है, मुझे लगता है कि यूएसए में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कोई चीज, ठीक है, या वहीं की कोई सर्विस है जो भी चीज है या क्लाइंट की है, क्लाइंट के लिए एड रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बाय वॉच है ये बहुत हाई कंपटीशन में कीवर्ड है, इसमें 224 पे हमें पड़ रहा है, ठीक है, बहुत हाई कंपटीशन है यहाँ पर हो जो है, और यहाँ पर हमें ब्रांड्स में पता चल रहा है कि यहाँ पर अब पाकिस्तान में एप्पल ज्यादा सर्च किया जा रहा था, यहाँ पर रोलेक्स सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें के जेंडर में मैन उसी तरह से ज्यादा है, ठीक है, तो इन चीजों को भी हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर लैंग्वेज चेंज करना चाहें, यहाँ से हम लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं उस लोकेशन के हिसाब से। तो ये वो प्रोसेसेस हैं जिनके जरिए से हम अपने कीवर्ड्स को फिल्टर करके अपने एड्स के अंदर से यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैंपेन सेटिंग्स में जब हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहे होते हैं तो ऑडियंस को किस तरह से टारगेट करते हैं, कैंपेन सेटिंग में सबसे पहला ऑप्शन तो हमें ये मिलता है कि हम सर्च नेटवर्क्स पर दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने सर्च ऐड का यहाँ पर कैंपेन ओपन की हुई है, तो सर्च नेटवर्क पर दिखाना चाह रहे हैं, डिस्प्ले नेटवर्क पर दिखाना चाह रहे हैं, किसी एक पे दिखाना चाह रहे हैं या दोनों पे दिखाना चाह रहे हैं, जो मेन चीज है यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी, जो कि कॉमन है तकरीबन हर टाइप के ऐड के लिए। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी लोकेशन, अब लोकेशन ऑप्शन में हम जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जो चीज यहाँ पर मुझे नजर आई जो हम करते हैं वो ये है कि अगर हम पाकिस्तान में ऐड चलाना चाह रहे हैं जो हमारी लोकेशन है, तो हम पाकिस्तान में करेंगे, या पूरी दुनिया में हर एरिया में, हर कंट्री में, ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज में चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे। बट यहाँ पर एडवांस सर्च में जब आते हैं तो हम कस्टम सर्च कर सकते हैं किसी एक लोकेशन को, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक यहाँ पर ऑप्शन है लोकेशन का और दूसरा है रेडियस का। लोकेशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं किसी एक, अब सिटी को टारगेट करना चाहें, अब कंट्री को करना चाहें कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर पाकिस्तान को टारगेट करता हूँ तो कंप्लीट पाकिस्तान पूरी कंट्री को यहाँ से मैं टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन है मेरे पास टारगेट, ठीक है, यहाँ से मैंने टारगेट कर लिया, पूरा पाकिस्तान टारगेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में किसी एक शहर में मेरा ऐड जो है वो नहीं नजर आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं लाहौर सिटी को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में नजर आएगा सिवाय लाहौर के, यहां से मैंने करना है एक्सक्लूड।
ठीक है, लाहौर जो सिटी है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, बाकी पूरे पाकिस्तान में हमारा एड जो है वो नजर आएगा। ये हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर हम रेडियस में आते हैं, मैं जो है पाकिस्तान को यहां से खत्म कर देता हूँ, इसको भी एक्सक्लूड कर देते हैं। रेडियस में अब हम आते हैं तो यहां पर मुझे लाहौर का जो ऑप्शन मिल रहा है, अब अगर मैं लाहौर को टारगेट करता हूं तो अब ये पूरा एरिया सिलेक्ट नहीं होगा, अब ये टारगेट होगा पूरा रेडियस। अब इस रेडियस को अगर हम करना चाहें, इंक्रीज करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं 50 माइल्स तक इस रेडियस को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 50 माइल्स तक अगर आप माइल्स करना चाहें या किलोमीटर्स करना चाहें, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है। तो अब अगर आप इसके एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं, लाहौर को मैंने सिलेक्ट किया, इसी तरह आप इस्लामाबाद को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, मैंने यहाँ से इस्लामाबाद को सिलेक्ट कर लिया, इस्लामाबाद भी यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये है कि फॉर एग्जांपल अब मैंने जो इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया तो इस्लामाबाद पहले से ही 50 किलोमीटर जो है वो टारगेट हुआ है 50 किलोमीटर के हिसाब से, बट लाहौर जो है हमने चेंज किया था, एडिट किया था, बट वहां से नहीं हुआ था, तो हमें यहाँ से इसको 50 कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से हमने सेव कर दिया, तो लाहौर जो है वो भी यहाँ पर 50 किलोमीटर पे सेव हो जाएगा। अब रेडियस के हिसाब से हमने ये कर लिया, लोकेशन के हिसाब से आप करना चाहें तो लोकेशन के हिसाब से और रेडियस के हिसाब से दोनों चीजों को एक साथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कर देता हूँ फैसलाबाद, मैं रेंडमली सिटी को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फैसलाबाद को मैंने टारगेट कर लिया, अब फैसलाबाद शहर को मैंने टारगेट किया है, लाहौर और रावलपिंडी के रेडियस को मैंने टारगेट किया है, ठीक है। अब लाहौर में मैंने 50 माइल्स को टारगेट किया है, रावलपिंडी में मैंने 50 किलोमीटर्स को टारगेट किया है। यहाँ पे जो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज होता है वो मेरे सामने आ रहा है, मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इसको रखना चाहूँ तो भी रख सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन लैंग्वेजेस का। अब लैंग्वेज में क्या है कि जो लैंग्वेज में अब अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लैंग्वेज बेस्ड है, लैंग्वेज डिफरेंस बेस्ड है, आप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप 2 3 4 लैंग्वेजेस जितने को सिलेक्ट करना चाहें सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि लैंग्वेजेस जो है उसके चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सब में अगर आप चाहते हैं कि शो हो, तो सिंपल आपने क्या करना है, अब ये इंग्लिश के ऊपर मैं क्रॉस कर दिया और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऑल लैंग्वेजेस के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली तमाम लैंग्वेजेस में ये शो होगा, जो लैंग्वेज का यहाँ पर हमने डिफरेंस क्रिएट किया था वो चीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो ऑडियंस सेगमेंट्स हैं, ऑडियंस को जब टारगेट करना होता है तो ऑडियंस सेगमेंट्स से हम टारगेट करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनके पेरेंटल स्टेटस क्या है, एज क्या है, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से कोई भी चीज सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ब्राउज भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं ब्राउज, ब्राउज में सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास हु दे आर, हु दे आर के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा पेरेंटल स्टेटस, पेरेंटल स्टेटस में अगर हम नहीं चाहते कि पेरेंट्स को शो ना हो, पेरेंट्स को या सिर्फ पेरेंट्स को शो करना चाहते हैं, तो अब हम पेरेंट्स के ऊपर आएंगे, और पेरेंट्स के बाद मजीद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है पेरेंट्स जो कि एक एक साल तक के बच्चों के पेरेंट्स हैं, ठीक है, 1 से 2 साल के बच्चों के पेरेंट्स हैं, 3 से 4, 5 से 11 या 12 से 17। अब ये क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे एक ई कॉमर्स स्टोर है जिसपे हम बच्चों के रिलेटेड प्रोडक्ट्स, टॉयज, क्लोथ्स या शूज वगैरह सेल करते हैं, आप शूज सेल कर रहे हैं बच्चों के या उनके क्लोथ वगैरह सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास पता है कि हम कितने साल से लेके कितने साल के बच्चों तक में ये चीज सेल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अब बच्चों में सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो बच्चों का है लेकिन अब जो परचेज करने वाला है परचेज तो पेरेंट्स नहीं करना है डेफिनेटली, तो हमने टारगेट करना है पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो कितने साल तक के होने चाहिए वो हमारे पास यहाँ पे होगा। उसके बाद पेरेंटल स्टेटस के बाद है नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, क्या वो सिंगल हो, इन रिलेशनशिप या मैरिड, इन चीजों को सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन। अब एक तो यह है कि करंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इसमें होगा कि जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वो सारे टारगेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर उसकी मजीद डिटेल मिलती है हमें, ठीक है, एडवांस डिग्री हो, बैचलर डिग्री हो या सेकेंडरी स्कूल के रिलेटेड डिग्री हो, ठीक है, ये हो गई हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट उसी में मजीद डिटेल है हाउस ओनरशिप स्टेटस, अब ये हाउस ओनर्स हों या रेंटर्स हों,
अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी चीज हम दिखाना चाहते हैं जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि जिनका सिर्फ अपना घर है उनको ये चीज शो हो, या जो रेंट पे रहते हैं सिर्फ उनको ये चीज शो हो। तो इन चीजों को दोनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो अलग अलग से यहां से भी कर सकते हैं, या दोनों को करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले है कंपनी साइज, जिस कंपनी में वो काम करते हैं उसका साइज क्या है। छोटी कंपनी है जीरो यानी कि एक से लेके 250 तक मुलाजमीन है तो छोटी कंपनी है, 250 से 10,000 तक है तो वो बड़ी कंपनी, और बहुत बड़ी कंपनी है अगर वो 10,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज रखती है। उसके बाद इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में अगर आप इंडस्ट्री को सेलेक्ट करें, इंडस्ट्री में हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, एजुकेशन सेक्टर है, स्टेट एजेंसी है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें हैं डिटेल में। अब ये क्या था, ये हमारा सिर्फ एक ऑप्शन था हु दे आर, इसके अंदर सारी डिटेल जो थी वो हमने यहाँ से सेलेक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, ये सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पर किसी एक इंटरेस्ट को आप सेलेक्ट करना चाहें, जिस तरह से बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ब्यूटी है, फिटनेस है, और फॉर एग्जांपल अब हम सेलेक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी को। अब टेक्नोलॉजी के अंदर मजीद इसके अंदर डिटेल होगी, मोबाइल के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर। उसके बाद मजीद इसके अंदर और डिटेल होगी, ऑडियोस, ऑडियो फ्लिप्स हैं, ठीक है, या ट्रैवलिंग में अगर आप देखें ट्रैवलिंग को। अच्छा, अब इसमें यह है कि टेक्नोलॉजी को अगर मैं सेलेक्ट कर दूं तो ये कंप्लीट सारी टेक्नोलॉजी के ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे, एक एक को अलहदा अलहदा सेलेक्ट हम नहीं कर रहे। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में अगर आप देखें, ठीक है, कंप्लीट को मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। इसकी मजीद डिटेल में जाना चाहें, यहाँ पर है हेल्थ एंड फिटनेस, और स्पोर्ट्स फैंस जो है वो अलग हैं। स्पोर्ट्स फैंस के अंदर मजीद बास्केटबॉल फैंस हैं, बेसबॉल है, बोटिंग है, उसके बाद क्रिकेट है, ठीक है। अब सारी चीजें अलहदा अलहदा से, बिल्कुल अलहदा अलहदा से, इतनी ज्यादा स्पोर्ट्स हमारे पास अलहदा अलहदा मिल रही है। सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाहें तो स्पोर्ट्स फैंस को कर सकते हैं, स्पोर्ट्स और हेल्थ दोनों को करना चाहते हैं तो एक साथ दोनों को भी कर सकते हैं। अब ये सिर्फ ये था, अब एक एक इंटरेस्ट और बिहेवियर के अंदर हमें बहुत ज्यादा डिटेल मिलेगी। पहला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अंदर उसका सब इंटरेस्ट है, उसके अंदर उसकी मजीद डिटेल है। अब यहाँ ये सिर्फ था व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड बिहेवियर आर। उसके बाद व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, ये वो चीज है। पहला था उनका इंटरेस्ट, दूसरा ये चीज है कि वो वक्तन फवक्तन ये चीज करते रहती हैं, ठीक है, या उसके बारे में प्लान कर रहे हैं। अब इसमें आप अगर आए फॉर एग्जाम्पल कार एंड व्हीकल्स में आए, ठीक है, कार एंड व्हीकल्स में अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको कार पार्ट्स एंड एक्सेसरीज मिल रहा है। अब कार पार्ट्स एंड एक्सेसरीज के अंदर मजीद डिटेल मिल रही है, कार बैटरीज है, ठीक है, उसके बाद इंजन ट्रांसमिशन है, व्हील्स एंड टायर्स है। तो एक एक प्रोडक्ट के अंदर मजीद हमें बहुत ज्यादा डिटेल मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन के अंदर हम कर लें या एम्प्लॉयमेंट के अंदर कर लें, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको मजीद डिटेल मिल रही है हर एक एक चीज के रिलेटेड, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आए स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के अंदर, अगेन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को सेलेक्ट किया। उसके बाद स्पोर्टिंग गुड्स हैं, गुड्स के अंदर मजीद हमें उसी तरह से डिफरेंट स्पोर्ट्स के रिलेटेड डिफरेंट गुड्स वगैरह मिल रही हैं। और ये क्या था, ये है व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, इन चीजों के रिलेटेड वो सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं इन इंटरेस्ट बिहेवियर्स के रिलेटेड, तब हमारा एड जो है उनके सामने शो होगा, ठीक है। जो जो चीज हम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर हमें सेलेक्टेड सेगमेंट्स में यहाँ पर राइट साइड पे शो हो रही होगी। अभी हमने स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, टेक्नोलॉजी और ट्रैवल को सेलेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट है हाउ दे आर इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है उसके रिलेटेड वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब उसमें सिमिलर सेगमेंट्स है, कस्टम कॉम्बिनेशन है, या वेबसाइट विजिटर्स है। अगर हम वेबसाइट विजिटर्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर मजीद हमें उस चीज में डिटेल मिल रही है, ठीक है। कस्टम कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें, ठीक है, तो एडवर्ड ऑप्टिमाइज लिस्ट है, इसमें एडवर्ड्स की तरफ से ऑटोमेटिकली जो है ऑप्टिमाइज लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब ये वो चीजें हैं, और ये अगर हमने एक सेगमेंट बना लिया और इस सेगमेंट को हम सेव कर लें और यहाँ से जो है हम न्यू सेगमेंट क्रिएट करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और एक सेगमेंट को क्रिएट करके सेव कर दें। अब ये जो हमारी ऑडियंस सेगमेंट होगा ये क्रिएट करके और हमने सेव कर दिया, क्रिएट करके सेव करने से क्या होगा,
नेक्स्ट टाइम अगर सेम एड हम रन करना चाहेंगे तो हमें बार बार चीजों को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सेम सेगमेंट हमारा पड़ा होगा उसमें से हम क्या कर लेंगे उसको लोड कर लेंगे। न्यू कंबाइंड सेगमेंट के ऊपर आप क्लिक करें, ठीक है, यहां से आपने क्या करना है सेगमेंट का नेम देना है, ठीक है, और मैच एनी ऑफ दीज सेगमेंट्स के ऊपर आप आके यहाँ पर जो है उसी के रिलेटेड ब्राउज कर सकते हैं और यहाँ पर आप कंप्लीट उसी तरह से सेगमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ न्यू सेगमेंट, मैं जस्ट आइडिया के लिए स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, और मैंने जस्ट एक ही चीज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं सेगमेंट को क्रिएट कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो सेगमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा और ये हमारा है कंबाइंड सेगमेंट न्यू के नाम से, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो कि अभी हमने सेलेक्ट की थी और ये है हमारा जो हमने सेगमेंट क्रिएट किया था। अब यहाँ पर न्यू के नाम से एक सेगमेंट जो है वो क्रिएटेड है। जब नेक्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल अब हम ऐड क्रिएट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ऐड क्रिएट करने आएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम आएंगे, अगर न्यू सेगमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से न्यू कंबाइंड सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या हमारे पास पहले से कंबाइंड सेगमेंट जो है वो मौजूद होगा, जस्ट मैंने न्यू नेम रख दिया था, यहाँ से हम उसको टारगेट करना चाहें तो उसको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज हमने देखी थी कि अब अगर हम ऐड को एक सिंपल ये चीज है, ठीक है, कि हम ऐड लगा रहे हैं, ऐड की डेट है फॉर एग्जांपल 9th मार्च आज ऐड लगा रहे हैं, और अगर हम ऐड की एंड डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं कि ये 31st को ये जो है ऑटोमेटिकली एंड हो जाए, तो हमने खुद से ऐड लगा दिया कि आज स्टार्ट हो रहा है और 31st मार्च को ये खत्म हो जाए, उसके बाद ये तो है हमारा ऐड का। बट अगर हम ऐड को शेड्यूल करना चाहें, ये तो शेड्यूल है, या हम आज नहीं लगा रहे, हम लगा देते हैं कि 19 तारीख को ये जो ऐड है ये स्टार्ट हो और 31 को ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए, ये तो है ऐड का, कंप्लीट ऐड का। लेकिन अगर हम ये टारगेट करना चाहते हैं कि किसी एक मखसूस टाइम में हमारा ऐड रन हो, जिस तरह से पहले हमने डिटेल में देखा कि जो कॉस्ट फैक्टर्स थे उनमें हमारा ऐड का टाइम डिपेंड कर रहा था, अब ये हम कब सिलेक्ट करेंगे, ये चीजें हम तब सिलेक्ट करेंगे अगर हमने ऐड रन किया पहले 24 से 48 घंटे ऐड को गुजर गए, उसके बाद हमारे पास कुछ डाटा आ जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ऐड है किस वक्त में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब हम जाके इस सेटिंग को चेंज करेंगे। अगर हमारे पास डाटा नहीं है और डायरेक्टली हम इस तरह से कर लें, या तो हमारे पास कुछ एनालिसिस होने चाहिए, ठीक है, अगर हमारा एनालिसिस है फिर भी कर सकते हैं, डाटा है फिर भी कर सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हमने पहले कुछ कैंपेन इसी से रिलेटेड क्रिएट की हुई है तो उसके डाटा को एनालाइज करके हम अपने टाइम के मुताबिक चीजों को एडजस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं दिन को 3 बजे से लेके नौ बजे तक हमारा एड शो होगा, 3 बजे से लेके 9 बजे तक, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 से 9 तक ही सिलेक्ट होगा यार, या हमने 1 घंटा सिलेक्ट कर लिया, सुबह नौ से दस सेलेक्ट कर लिया, अब हम कह रहे हैं कि सुबह 9 से 10 सेलेक्ट कर लिया, अब मैं तो शाम को भी 2 घंटे 3 घंटे दिखाना चाहता था। सिंपल आपने ऐड शेड्यूल के बटन के ऊपर या ऐड के ऊपर क्लिक करना है, आप सेकंड शेड्यूल लगाना चाहते हैं दूसरे घंटे का लगा दें, एक और घंटे का लगा दें, एक और घंटे का लगा दें, आप जितने टाइम में दिखाना चाहते हैं आप बेशक यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इवन के 15-15 मिनट में आप दिखाना चाहते हैं, ये मैं 1 बजे से लेके 1:15 तक दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 15 मिनट का ऐड शेड्यूल है, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, जरूरी नहीं है कि मैंने 1 घंटे का ऐड कर दिया तो बस, और तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आप जितने सेगमेंट्स के अंदर ऐड शेड्यूल को ऐड करना चाहें सारी चीजों को डिटेल के साथ आप शेड्यूल कर सकते हैं, इसमें किसी चीज में कोई इशू नहीं होगा। बाकी आगे जाकर जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे तो इससे आगे मजीद क्या सेटिंग्स होती हैं, कीवर्ड्स लगा के बजट सेट करके हम जो अपना ऐड है कंप्लीट प्रीव्यू करके उसको पब्लिश किस तरह से करते हैं, उन चीजों को इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम कैंपेन्स क्रिएट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अगर हम ऐप इंस्टॉल कैंपेन क्रिएट करना चाहें तो उसको किस तरह से क्रिएट करते हैं, आइए उसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सिंपल हमने यहाँ पे न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर हमने न्यू कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हम जाएंगे, अगर आप ऐप प्रमोशन के साथ जाना चाहें तो आपकी मर्जी है, या क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स ऑडियंस, ठीक है, गोल्स गाइडेंस, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऐप, ऐप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, सिंपल हम ऐप को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ऐप इंस्टॉल्स, सबसे पहली चीज है कि हम ऐप्स को इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल चीज है। नेक्स्ट हमारे पास है ऐप एंगेजमेंट, अब ऐप इंस्टॉल्स में और ऐप एंगेजमेंट में
इन दोनों चीजों में क्या फर्क है? एक तो ये चीज है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक नई ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं कि जिसके पास इंस्टॉल नहीं है तो हम उसको ये ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उसकी डिवाइस में ताकि हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल हो जाए। सेकेंड ये होता है कि हमें ये लगता है कि हमारी जो ऐप है वो काफी सारे लोगों के पास इंस्टॉल्ड है बट वो काफी अच्छे से ना यूज नहीं कर रहे, तो हम उनको दोबारा से यूजर बेस में लाना चाहते हैं, दोबारा से उनको एक्टिव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐप एंगेजमेंट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास है ऐप प्री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये सिर्फ एंड्रॉयड में अवेलेबल है। अब प्री रजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि हमारी ऐप अभी जो है लॉन्च नहीं हुई बट उसकी पहले से ही हम रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करवा लें। ठीक है, प्री बुकिंग से प्री रजिस्ट्रेशन, लॉन्चिंग से पहले जो रजिस्ट्रेशन होती हैं उनको हम प्री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है, हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं ऐप इंस्टॉल्स को। नेक्स्ट हमारे पास दो ऑप्शन है, एंड्रॉइड और iOS। एंड्रॉइड हम सिलेक्ट करेंगे एंड्रॉइड के लिए और iOS सिलेक्ट करेंगे जो हमारे एप्पल के रिलेटेड डिवाइसेज हैं। ठीक है, उनके लिए हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से एंड्रॉइड। यहाँ पर हमने अपनी जो ऐप है उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो ऐप है उसका नाम हमें आता है, ठीक है, सिंपल हमने नेम लिख देना है। ठीक है, या हम यहाँ पर लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले से सर्च की हुई थी यहाँ पर आजाद चाय वाला के रिलेटेड यहाँ पर एक ऐप है। आई डोंट नो ये रियल है या फेक है, जस्ट मैं आइडिया के लिए, जस्ट एक डमी ऐप है। ठीक है, तो आजाद भाई के नाम पे ऐप है, मुझे कंफर्म नहीं है ये किसकी है। ठीक है, आजाद चाय वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी जो ऐप है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम कैंपेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, कैंपेन नेम में हम रखते हैं आजाद सी एच ऐप इंस्टॉल्स। यहां पर हम कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमसे पूछ रहा है कि पहले हमारी जो एक ऐप है ऐप प्रमोशन ऐप वन जो है वो ड्राफ्ट में है, अगर हम उसी को कंटिन्यू करना चाहें या हम जो है न्यू पे क्लिक करते हैं स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो उसी को रिज्यूम करना चाहें तो उसी को रिज्यूम कर सकते हैं या न्यू कंटिन्यू करना चाहे तो उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो मोबाइल ऐप है वो सिलेक्टेड है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लोकेशन है, लोकेशन को अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ या इंटर अदर लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। इस चीज़ को हम ऑलरेडी पहले से डिटेल में देख चुके हैं। बाकी लैंग्वेजेस में किस तरह से कर सकते हैं, लैंग्वेजेस को मैं ऑल लैंग्वेजेस कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले हम कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं जो है आगे जा रहा हूँ। मोर सेटिंग्स के ऊपर आप जाएं तो आपको यहाँ पर स्टार्ट और एंड डेट रखना चाहते हैं जो भी चीजें आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्यूब बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज है हमें अपना बजट सेलेक्ट करना होगा, टोटल बजट हमारा क्या है। अब टोटल बजट हमारा किस हिसाब से हमने सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अब टोटल बजट और यहाँ पे कॉस्ट पर ऐप इंस्टॉल, यहाँ पर हमें चाहिए इंस्टॉल वॉल्यूम हमने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, और What kind of user do you want to target? यहाँ पर हम all user के ऊपर रखेंगे इसको, और यहाँ पर जो है हमारी app है। ठीक है, हमारे पास एक ही app, हमने यही यहाँ पर जो है select की हुई थी। उसके बाद यहाँ हमारा जो budget है और cost पर install है, इसमें हमें एक ratio रखनी है। For example, यहाँ पर हमें recommended जो cost पर install है वो 64 है। For example, यहाँ मैं रख देता हूँ 75 रुपीज मैं दूंगा CPA। CPA एप्स में हम कहते हैं कॉस्ट पर इंस्टॉल को, एक ऐप इंस्टॉल करने के मैं दूंगा 75 रुपीज। अब 75 रुपीज अगर हम दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर बजट इतना रखना होगा कि, या फॉर एग्जांपल हम इसको 80 रुपीज कर देते हैं, कैलकुलेशन में भी इजी होगा, 80 रुपीज कर देते हैं। यहाँ पर हमें इतना बजट रखना है कि अब जो हम कैंपेन रन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वन डे कैंपेन है हमारी 24 आवर्स की, तो बजट इतना होना चाहिए कि एक दिन में 50 इंस्टॉल्स जो हैं उसका बजट हमारे पास हो। अब 80 अगर हमने एक इंस्टॉल कर रखा तो 4000 रुपीज जो है वो हमारा एक दिन का बजट होना जरूरी है, ताकि कुछ इंस्टॉल्स तो हमारे पास आए, 50 इंस्टॉल्स का टारगेट तो हम एटलीस्ट रखना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा रखना चाहिए तो आपकी मर्जी है, बट ये एक रेशियो है, रिकमेंडेड रेशियो है, जरूरी नहीं है कि इतना होना चाहिए तब आपका एड रन होगा या कोई इस तरह की बात। इससे कम करना चाहे तो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं, बट जितना बेहतर हो, इससे ज्यादा करना चाहे तो भी आपकी मर्जी है, बट ये एक रिकमेंडेशन है कि कम से कम तो इतना हो तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारा एड बनता हुआ हमारे सामने नजर आएगा कि हमारा एड नजर किस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ऐप है, ठीक है, उसका यहाँ पे नेम होगा, यहाँ पे प्ले स्टोर में किस तरह से नजर आएगी, सर्च एड में किस तरह से नजर आएगी,
इनके प्रीव्यूज हमें जो है यहाँ नजर आ रहे हैं। सर्च एड में ये कुछ इस तरह से नजर आएगी, यूट्यूब के ऊपर ये किस तरह से नजर आएगा, यूट्यूब में ये जहाँ जिस तरह से डिस्कवरी एड हमारे रन हो रहे होते हैं उसी तरह से यहाँ पर ये भी नजर आएगा, ठीक है। ये उसी तरह से ये डिस्कवरी एड है यूट्यूब में, अगर आप देखें यहाँ टॉप पे वीडियो है, नीचे भी वीडियो है, दरमियान में ये डिस्कवरी एड की तरह यहाँ पर रन हो रहा है। उसके बाद गूगल प्ले स्टोर पे किस तरह से नजर आएगा, ये कुछ इस तरह से है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर हमने सबसे पहली चीज है हेडलाइन। हेडलाइन क्या लिख सकते हैं, हेडलाइन क्या होती है, मैं यहाँ पर आजाद चाय वाला जो आजाद भाई की वेबसाइट है उसी को ओपन कर लेता हूँ और उसी में से कुछ डाटा वगैरह जो है हम सेलेक्ट करके यहाँ पर रख सकते हैं। अब हेडलाइन हमारे पास जो ऐप की हेडलाइन है, ठीक है, वो हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। अब इसकी हेडलाइन हम क्या रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ऐप जो है हमारी, मैं जस्ट आइडिया के लिए कह रहा हूँ, ये जो हमारी ऐप है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट के रिलेटेड है, तो इंस्टीट्यूट के रिलेटेड जो है हम यहां से इसको कुछ डाटा जो है पुट कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास एक हेडलाइन है। उसी तरह से आप दूसरी हेडलाइन ऐड करना चाहें, तीसरी करना चाहें, अप टू 5 हेडलाइंस जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी मैं जस्ट आइडिया के लिए यहां से चीजें पिक कर रहा हूँ। आपके पास जब प्रैक्टिकल एक ऐप होगा जिसका आप जो है टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, सारी चीजें होंगी, तो उसको आप पेस्ट कर सकेंगे अपनी मर्जी से, यहाँ से पिक कर सकेंगे। मैं तो जस्ट एक आइडिया के लिए यहाँ पर जो है चीजों को पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज है कि हमारे पास 5 हेडलाइंस हैं, यहाँ पर 5 डिस्क्रिप्शंस हैं, ये 5 क्यों दी गई हैं? एक नजर तो एक आ रही है हमें नजर तो एक आएगी, ठीक है, लेकिन ये 5 क्यों है हमारे सामने। मैं यहाँ पर सर्च यूट्यूब, यहाँ पर हमें ये, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है यहां पर एक नजर आ रही है, हेडलाइन जो है वो हमारे सामने एक नजर आ रही है, तो इसकी वजह क्या होती है, एक तो एक से ज्यादा हेडलाइन या एक से ज्यादा डिस्क्रिप्शन भी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास किसी जगह पे साइज ज्यादा तो नजर आ जाए, बट ज्यादातर ज्यादा केसेस में क्या होता है कि अगर एक बंदे को एक मर्तबा एक टाइटल और एक हेडिंग और हेडलाइन और एक डिस्क्रिप्शन के साथ वो एड नजर आया, नेक्स्ट टाइम जब उसको नजर आएगा तो डिस्क्रिप्शन भी चेंज होगी और हेडलाइन भी चेंज होगी, उसकी वेरिएशन जो है वो हमें मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट हम एड के लिए इमेजेस ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वीडियोस ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं यहां से इमेजेस को ऐड करता हूं, ठीक है। इमेजेस को अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हमारी एसेट लाइब्रेरी में अभी तक कोई इमेज नहीं है क्योंकि हमने ये नया अकाउंट क्रिएट किया था। अपलोड के बटन पर आकर यहाँ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर के बटन पर आकर यहाँ हम जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहां से मैं रैंडमली 2-3 इमेजेस जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूं, ओके, ये 3 इमेजेस हमने सेलेक्ट कर ली। अब यहां पर पहले इमेजेस स्कैन होंगी, अगर इनका साइज जो है वो परफेक्ट नहीं होगा, कोई और इशू होगा तो आपको एरर वगैरह जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ये जो है इमेजेस जो है वो हमारी सेव हो गई हैं, ठीक हो गया। अब जितने टाइटल्स आप ऐड करना चाहें अप टू 5, हेडलाइंस आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियोज ऐड करना चाहें, इमेजेस ऐड करना चाहें, जितनी भी चीजें करना चाहें, 20 इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं, 20 वीडियोस भी आप ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड करना चाहें सिंपल, उसका भी सेम यही प्रोसेस है। आपके एसेट लाइब्रेरी में अगर हो तो ठीक है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है सर्च यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर आपके कोई वीडियोज मौजूद है और आप उनको करना चाहते हैं, या यूट्यूब के वीडियोज को एक तो यहाँ से सर्च भी किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ आजाद चाय वाला, ठीक है। यहाँ पर आजाद भाई की कुछ वीडियोस आ गई हैं, ठीक है। जिस भी वीडियो को सिलेक्ट करना चाहें, अब ये एक शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियो, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, या आप उसी तरह से अगर अपलोड करना चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये हमारी एक वीडियो हमने ऐड कर ली, कुछ इमेजेस ऐड कर ली, अप टू 20 इमेजेस, अप टू 20 वीडियोज हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास होगा ओवरव्यू, रिव्यू करेंगे हम, ठीक है। कैंपेन का रिव्यू होगा, इसमें अगर कोई एरर होगा, कोई इश्यू होगा, एक तो हमें नजर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, एक एरर हमें नजर आ रहा है, एटलीस्ट 2 हेडलाइंस आर रिक्वायर्ड, बाकी सारी चीजें जो है हमारी परफेक्ट है,
एटलीस्ट टू हेडलाइंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम बैक जाते हैं, यहाँ पर और हेडलाइन जो है एक और मजीद हमें ऐड करनी होगी, जिसमें यहाँ पर हेडलाइन जो है हमें एक मजीद ऐड करनी है, यहाँ पे एटलीस्ट टू हेडलाइन जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे एंड पे हमारे पास रिव्यू होता है, रिव्यू में जितने भी एरर्स होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं वो हमें नजर आ जाते हैं। अब हमने वो इश्यू जो है वो सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पर कैंपेन नेम को यहाँ पर आप एडिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हम कैंपेन जस्ट हमने आइडिया के लिए क्रिएट किया, पब्लिश नहीं करेंगे। यहाँ पर कैंपेन नेम है, कैंपेन टाइप है, कैंपेन जो है सब टाइप है। ठीक हो गया, और यहाँ पर हमारा बजट है, बजट हमने ये रखा, बिडिंग स्ट्रेटजी हमारी ऐप इंस्टॉल है, मोबाइल ऐप हमारी ये है, लोकेशन हमने पाकिस्तान सेलेक्ट की है, लैंग्वेजेस हमारी तमाम लैंग्वेजेस हैं। ठीक हो गया, ये सारी डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे, जिस तरह से अब एरर आया था उसको हमने सॉल्व किया और दोबारा से जो है उसको रिव्यू करेंगे। पब्लिश कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ऐप है, कैंपेन है, वो पब्लिश हो जाएगी। तो ये है हमारा कंप्लीट प्रोसेस, जिसके जरिए से हम किसी भी ऐप इंस्टॉल्स के रिलेटेड एड्स को जो है क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम सर्च एड कैंपेन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर न्यू कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हम न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे सिंपल। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास जो आएगा वो आएगा कैंपेन का जो है ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स और गाइडेंस, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं सर्च कैंपेन। अब सर्च कैंपेन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, हम क्या चीज करना चाह रहे हैं, सर्च कैंपेन में ऐप डाउनलोड्स करवाना चाह रहे हैं, फोन कॉल्स लेना चाह रहे हैं या वेबसाइट विजिट्स करवाना चाह रहे हैं। हम करवाना चाह रहे हैं वेबसाइट विजिट। फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है जिसके हम विजिटर्स बढ़वाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब वेबसाइट का यहाँ पर हमें जो है यूआरएल देना होगा। मैं उस azadchaiwala.com जो वेबसाइट है, आजाद भाई की जो वेबसाइट है, उसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर उसे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें कैंपेन का नेम सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आजाद भाई वेब एड सर्च। ओके, यहां पर कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर सबसे पहली चीज हमें बतानी होगी कि हमारी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो क्या है। बिडिंग स्ट्रेटजी हमने क्या बतानी है, सबसे पहले हमारे पास एक तो यह है, हमारे पास क्लिक्स, हम क्लिक्स लेना चाह रहे हैं या कन्वर्जन वैल्यू लेना चाह रहे हैं, कन्वर्जन लेना चाह रहे हैं या इंप्रेशन शेयर लेना चाह रहे हैं। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, अगर हम वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक्स लेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, यहाँ पर हम क्लिक्स के ऊपर सेट करेंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, या सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये है, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड। यहाँ पर सीपीसी हम खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉस्ट पर क्लिक की बिड जो है, मैं यहाँ कहता हूँ कि ₹7 मैं कॉस्ट दूंगा एक क्लिक की, मैक्सिमम जो मेरी लिमिट है वो मैं ₹7 दूंगा जिससे एक क्लिक मुझे मिलेगा। ठीक है, एवरेज जो ₹7 मैं दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं सर्च नेटवर्क के ऊपर दिखाना चाहता हूं या डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर्स के ऊपर दिखाना चाहता हूं, इनमें से किसी एक पे दिखाना चाहता हूं या दोनों पे एक साथ दिखाना चाह रहे हैं, हम दोनों पे एक साथ दिखा सकते हैं। सर्च नेटवर्क पार्टनर्स और डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर्स कौन से होते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर है लोकेशन, लोकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ से इनको जस्ट क्विकली ओवरव्यू करता जाऊंगा। लोकेशन में हम पाकिस्तान को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर लोकेशन सेलेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में हम जो है इंग्लिश को यहाँ पर जो है कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर जो है हम रखेंगे ऑल लैंग्वेजेस के ऊपर। जो ऑडियंस सेगमेंट्स हैं, ऑडियंस सेगमेंट्स को हम यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें तो अपना ऑडियंस के सेगमेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास पहले से कोई सेव्ड ऑडियंस होगी तो उसको सेलेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ये सेलेक्ट किस तरह करते हैं, डिटेल्ड टारगेटिंग हम किस तरह करते हैं ऑडियंस की, ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है, यहाँ पर एक तो हमने उस वेबसाइट का URL दिया हुआ है, यहाँ पर हमने वेबसाइट का URL दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमने जो टैग्स डिस्कस किए थे तो टैग्स का जो सेक्शन है, कीवर्ड्स का सेक्शन है, वो ये सेक्शन है। यहाँ पर हमें अपने कीवर्ड्स देने होते हैं। अब हमने जो वेबसाइट का लिंक दिया था ऊपर, तो उस वेबसाइट के अंदर जितने भी टैग्स लगे हुए थे वो ऑटोमेटिकली वहां से उसने गूगल ने जो है वहां से ड्राइव कर लिए हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो कीवर्ड्स थे वो यहाँ पर लग चुके हैं। अब उसी के रिलेटेड कुछ और कीवर्ड्स के हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। अब अगर व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ रिकमेंडेशंस मिल रही हैं कि ये कुछ मजीद कीवर्ड्स हैं
जो आप देख सकते हैं कि इनमें से आप कौन सा लगाना चाहते हैं कौन सा नहीं लगाना चाहते। हम किसी एक एक को सिलेक्ट करना चाहें या मल्टीपल को सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कीवर्ड हमने यहाँ से सिलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर जो है अप्लाई हो जाएंगे। अब कीवर्ड्स किस तरह से काम करते हैं, कीवर्ड की टाइप्स कौन सी होती हैं, ये चीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हमारे कीवर्ड्स लगे हुए हैं ये लगे हुए हैं ब्रॉड मैच में, ये है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, ठीक है। अब ये ब्रॉड मैच कीवर्ड्स हैं। अब यहां पर हमें ये तो है हमारा फाइनल यूआरएल, ठीक है। अब जो हमारा फाइनल यूआरएल है इसमें अगर हम चेंजिंग करते हैं तो ये सिर्फ जो है यूआरएल नजर आने के लिए है, अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये चेंजेस जो है किसी और वेबसाइट पे हमें रीडायरेक्ट कर दें। यहां पर मैं करता हूं लर्न टू अर्न, यहां पर मैंने क्या लिख दिया azadchaiwala.com/learn-to-earn। अब ये चीज जो है ये सिर्फ हमें यहां पर नजर आएगी, जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास जो है ये चीज किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दे। बट अगर यहां से मैं इसको कट कर लूं और यहां पे डिस्प्ले पाथ में इसको यहां पेस्ट कर लूं, डिस्प्ले पाथ में जैसे ही हम पेस्ट करेंगे आपको यहां पे नजर आ रहा है ये लर्न टू अर्न वाला जो सेक्शन है, ठीक है, यहां पर आ चुका है, ठीक है। और यहां पर हम करते हैं सिक्योर फ्यूचर। अब ये यहां पर हमें नजर आ रहा है अपना हमारा जो है फाइनल यूआरएल, ये लर्न टू अर्न यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहां पर सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या है सिक्योर फ्यूचर। अब इसमें हमारे पास कुछ हेडलाइंस हैं, ठीक है, हेडलाइंस हम 15 हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं। यहां पर हेडलाइंस भी जो है खुद उसने डिराइव की हैं, जो हमारा वेबसाइट है उसी के अंदर से, इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मोर आइडियाज के ऊपर क्लिक करके उसी वेबसाइट के अंदर से मजीद आइडियाज भी हमें मिल जाएंगे, उनको अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो उनको भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर आप देखें जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है, ठीक है, यहां पर हमें सर्च वॉल्यूम भी नजर आ रहा है, उनका सारी चीजें जो है डिटेल में हमें नजर आ रही हैं। यहां पर हमारी जो है हेडलाइंस है, हेडलाइंस यहां पर बाय डिफॉल्ट यहां पर 5 हेडलाइंस लगी हुई है, मैं उन्हीं 5 के साथ जाना चाहता हूं। उसके बाद यहां पर है डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शंस भी उसी वेबसाइट से ली गई हैं, आप इनको भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से कोई और डिस्क्रिप्शन भी पिक करके एड कर देता हूँ, यहां पर मैंने एक और डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी। अब ये है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास जो हेडलाइंस हैं वो कहाँ पे नजर आ रही हैं, हेडलाइंस हमारी यहां पर नजर आ रही हैं लर्न स्किल्स आजाद चायवाला इंस्टीट्यूट। अब 15 हेडलाइंस ऐड करने का मतलब भी यही था, अगर अप टू 15 हेडलाइंस हम ऐड करते हैं तो उसमें हमें वेरिएशंस मिल जाती हैं, एक बंदे के सामने एक ऐड आ रहा है, दूसरे के सामने दूसरा आ रहा है, मेरे सामने एक मरतबा आया था वो और वेरिएशन के साथ आएगा, नेक्स्ट टाइम और वेरिएशन के साथ आएगा, या जो वेरिएशन बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी वो ज्यादातर आना शुरू हो जाएगा। यहां पर हमारे पास आ रहा है फाइनल यूआरएल जो हमने यहां पर ऐड किया था डिस्प्ले पाथ के साथ, उसके बाद नेक्स्ट जो हेडलाइंस हमने ऐड की हैं उसके साथ यहां पर ये ब्लू कलर में आ रहा है, जो हमने डिस्क्रिप्शंस पेस्ट की हैं 4 डिस्क्रिप्शन हमारे पास हैं वो यहां पर जो है डिस्क्रिप्शन की वेरिएशंस बनकर यहां आ रही हैं। ये हमारे पास मोबाइल प्रीव्यू है, अगर हम डेस्कटॉप प्रीव्यू में देखें तो हमारा ऐड जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अब साइट लिंक्स क्या होते हैं, साइट लिंक्स अगर हम ऐड करें तो साइट लिंक्स क्या होते हैं, साइट लिंक पहले मैं ऐड कर देता हूं, उसके बाद जो उसका प्रीव्यू है उसमें जो है आपको यहां पर भी प्रीव्यूज नजर आएंगे, बट जो ऐड है उसके अंदर भी आपको प्रीव्यू जो है वो नजर आएगा। सबसे पहले जो है यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं एक साइट लिंक, ये है साइट लिंक का टेक्स्ट, ये हमारी दूसरी साइट लिंक का टेक्स्ट है, मैं यहां पर 2 साइट लिंक्स लगा देता हूं, ये हमारी पहली साइट लिंक का जो है डिस्क्रिप्शन है, ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन जो है 35 वर्ड्स का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया, 40 वर्ड्स का बन रहा है ये भी, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद सेकंड डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया, ये हमारी 2 डिस्क्रिप्शंस हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है फाइनल यूआरएल। अब ये क्या होता है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें जो कोर्सेज लिस्टेड हैं,
जैसे ही मैं ग्राफिक डिजाइन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एक न्यू वेबसाइट के ऊपर लेकर जाता है, वेबसाइट वही है, न्यू पेज के ऊपर लेकर जाता है। साइट लिंक्स होते भी न्यू पेजेस के लिए ही हैं। अब यहां पर जो है हम फाइनल यूआरएल ऐड कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम बनाते ही इसी के रिलेटेड है, सेकंड जो हमारा है ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड ही हम बनाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड फर्स्ट बना देंगे, फर्स्ट यहां पर मैं बना देता हूं ग्राफिक डिजाइन के रिलेटेड, ग्राफिक डिजाइन, ये हमारा फर्स्ट बन गया, ठीक है, उसका हमने दे दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड मैं जो है सेकंड दे देता हूँ, कॉपी करके यहां पर जो है इसको हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, ठीक है, और यहां पर जो है इसकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देते हैं। नो, बहुत ज्यादा है तो इसको मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। उसके बाद इसका जो फाइनल यूआरएल है इसको कॉपी करके हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ये हमारे साइट लिंक्स किस तरह से बन रहे हैं, ठीक हो गया। अब साइट लिंक्स ये हमने जो बनाए हैं इसको जैसे ही हम यहां पर सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब दो साइट लिंक्स जो है वो हमारे यहां पर सेव हो चुके हैं। ये हमारा एक साइट लिंक है, ये दूसरा साइट लिंक है। इसको मजीद साइट लिंक्स ऐड करना चाहें तो यहां से आप मजीद साइट लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, बट हम यहां पर जो है कैंसिल कर देते हैं, हमारे जो दो साइट लिंक है हम उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे, ठीक है। यहां पर हमने साइट लिंक्स जो ऐड किए आप यहां प्रीव्यू में नजर आ रहा होगा, ये हमारा ऐड है, ये हमारा पहला फाइनल यूआरएल है, ये हमारे हेडलाइंस हैं और ये डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद ये साइट लिंक्स है, पहला साइट लिंक है ग्राफिक डिजाइन और उसके रिलेटेड यहां पर डिस्क्रिप्शन है, सेकंड साइट लिंक है डिजिटल मार्केटिंग और उसके रिलेटेड यहां पर हमारे पास जो है उसका डिस्क्रिप्शन है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये ऐड है, इसके ऊपर क्लिक करने से हम यहां पर जाएंगे जो मेन वेबसाइट का पेज है। अब जो हमारा ग्राफिक डिजाइन का पेज है उसके ऊपर क्लिक करने से हम ग्राफिक डिजाइन के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे, जो हमारा ये साइट लिंक है। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो है हमारा साइट लिंक है उसके ऊपर क्लिक करने से हम डिजिटल मार्केटिंग का जो ये पेज है इसके ऊपर रीडायरेक्ट होंगे, ठीक है। अब यहां पर हम रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अब ये है हमारे साइट लिंक्स, इस तरह से हम साइट लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल आउट्स, कॉल आउट्स अगर हम ऐड करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अब यहां पर मैं कॉल आउट्स को ऐड करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कोर्सेज के नेम ही लिख देता हूं, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, और सबसे एंड पे हम लिख देते हैं किसी और कोर्स को, वीडियो एडिटिंग, ओके। इसको हम कर लेते हैं सेव। मजीद ऐड करना चाहें तो न्यू कॉलम पे भी कर सकते हैं। अब यहां पर हमने इसको कर दिया डन। तो इस तरह से हमने यहां पर साइट लिंक्स लगाए, कॉल आउट्स लगाए, ठीक है। तो अब यहां पर जो है हमारा फाइनल यूआरएल जो है वो कुछ इस तरह से, फाइनल जो ऐड है वो कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब इसमें अगर आप देखें मोबाइल प्रीव्यू में हमें किस तरह से नजर आ रहा होगा, या डेस्कटॉप प्रीव्यू में अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो होगा हमारा बजट का, ठीक है। अब यहां पर हमने सेलेक्ट करना है अपना बजट, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टोटल हमारा एड का जो बजट है वो है 5000, ठीक हो गया। अब यहां पर बजट सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हमें उसका कुछ एस्टिमेटेड रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे। एस्टिमेटेड रिजल्ट में कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो है वो हमारा 76% ऑप्टिमाइज है। एड ग्रुप में अगर आप देखें तो वीकली क्लिक्स हमें 462 एक्सपेक्टेड क्लिक्स मिलेंगे, और जो वीकली कॉस्ट आएगी टोटल ये होगी 2103 रुपीज, और जो हमारा एवरेज सीपीसी होगा कॉस्ट पर क्लिक जो है एवरेजली हमें पड़ रहा है, एक्सपेक्टेड है कि इतना पड़ेगा, वो हमारा होगा 4.55 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास रिव्यू का सेक्शन होगा, रिव्यू के सेक्शन में अगर हमारे पास कोई एरर्स वगैरह होंगे या कोई भी चीज मिसिंग होगी तो
तो उसको यहाँ पर हम जो है सेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम उन चीजों को देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा कैंपेन नेम है, कैंपेन टाइप है, हमारी सर्च कैंपेन है, बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने मैक्सिमम क्लिक पे रखी है, नेटवर्क्स कौन से सेलेक्ट किए हैं, लोकेशन, लैंग्वेज, ऑडियंस जो है, इन सारी चीजों को हमने किस तरह से सेलेक्ट किया, इसका कंप्लीट जो है हमारे पास ओवरव्यू होगा। ठीक है, अब उसमें यहां पर हमें कुछ रिकमेंडेशंस मिल रही हैं। ठीक है, अगर इन रिकमेंडेशंस को अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारा कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास एक रिकमेंडेशन है, उसके बाद सेकंड रिकमेंडेशन हमारे पास ये है। ठीक है, तो अगर इनको हम जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, तो हम जो है कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को मजीद इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब यहां से सिंपल पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी कैंपेन जो है वो पब्लिश हो जाएगी, बट हमारी कैंपेन हम पब्लिश नहीं करना चाहते और ना ही हमारे पास जो है बिलिंग मेथड जो है वो एडेड है, क्योंकि ये न्यू अकाउंट हमने क्रिएट किया था जस्ट डेमो के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस जिसमें हम एक सर्च एड को क्रिएट करके रन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरों, अगर हम डिस्प्ले एड या बैनर एड रन करना चाहें तो किस तरह से रन कर सकते हैं। सिंपल, हमने न्यू कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ न्यू कैंपेन के ऊपर हम आएंगे, यहां से हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट अ कैंपेन गोल, कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस, यहां पर हमें सेलेक्ट करना है उसके लिए डिस्प्ले। अब डिस्प्ले जो हम सेलेक्ट करेंगे, यहां पर हमें अपना वेबसाइट का URL देना है जहां पर हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। आजाद भाई की जो वेबसाइट है उसी को मैं कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर हम उसका नेम देना चाहें तो यहां पर हम नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं डिस्प्ले एड इसका नेम ही रख रहा हूँ जस्ट आइडिया के लिए। कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ से हम जो है अपनी एड को यहाँ पर सेलेक्ट करके और जो चीजें हैं वो सेट कर सकते हैं। ये चीजें ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लैंग्वेज को हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन को किस तरह सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं लोकेशन पाकिस्तान रख देता हूँ, लैंग्वेज जो है ऑल लैंग्वेजेस में सेलेक्ट कर देते हैं। मोर सेटिंग में आपको ऑडियंस सेगमेंट टारगेटिंग मिलेगा, ठीक है, उसको हम किस तरह से कर सकते हैं ये चीजें ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट के बटन के ऊपर यहाँ पर हम डेली बजट सेलेक्ट करेंगे, सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर योर कैंपेन। अब जहां पर भी बजट और बिडिंग की बात आ रही होती है तो हमें एवरेज कहा जा रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 1000 रुपीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि रोजाना हमारे 1000 रुपए ही काटे जाएंगे। 1000 रुपए जो है वो जरूरी नहीं है, उसमें क्या होगा, किसी दिन 900 काटे जा रहे हैं, किसी दिन 1000, किसी दिन 1100, तो एवरेज जो है वो हमारी उसी तरह से 1000 की एवरेज के साथ ही आ रही होगी। अब बिडिंग स्ट्रेटेजी में अगर हम कोई भी चीज और सेलेक्ट करना चाहते हैं, अब हम सेलेक्ट करते हैं व्यूएबल इंप्रेशंस। अब हमारे इंप्रेशंस जो है व्यूएबल इंप्रेशंस के ऊपर अब हमने सेलेक्ट किया, तो बिडिंग जो हमारी वो किस चीज पे चेंज हो जाएगी, CPM पे चेंज हो जाएगी, कॉस्ट पर माइलस्टोन। अब हमने इंप्रेशंस के ऊपर किया, तो इंप्रेशन क्या चीज होती है कि किसी के सामने भी हमारा जो एड है वो अगर आएगा, शो होगा व्यूएबल इंप्रेशंस, ठीक है, तो उसको हमारा एड जो है उसका इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। अब कॉस्ट पर माइलस्टोन हम कितना पे करेंगे, हम 150 रुपीज जो है वो पे करेंगे, 150 रुपया पे करेंगे 1000 लोगों तक पहुंचने में। CPM हमारा क्या होता है, कॉस्ट पर माइलस्टोन, और माइलस्टोन हमारा होता है 1000। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर एड टारगेटिंग अगर हम करना चाहें, एड टारगेटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट्स ऐड करना चाहें, डेमोग्राफिक्स ऐड करना चाहें, कीवर्ड्स ऐड करते हैं, या फिर टॉपिक्स एंड प्लेसमेंट्स, ये सारी चीजें हमारी किस तरह से होंगी, ठीक है, उसको हम करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। इन चीजों को ऑलरेडी पहले से हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, यहां से हमारा एड क्रिएशन जो है वो स्टार्ट होगा। सेम उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर फाइनल URL है, फाइनल URL हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम चीजों को अपलोड करते जाएंगे, यहाँ पर जो हमारा एड है वो किस तरह से प्रीव्यू होगा वो हमें यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हम बिजनेस नेम लिख लेते हैं, आजाद चाय वाला, ये एक हमारा बिजनेस नेम है। यहाँ से हमें इमेजेस अपलोड करनी है, उसके बाद यहाँ से हमें लोगोज अपलोड करने हैं। अब वीडियोस को अपलोड करना चाहे तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हेडलाइंस हैं, हेडलाइंस फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 हेडलाइंस हमने ऐड कर ली, एक और हेडलाइन ऐड कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है हेडलाइंस ऐड कर ली, उन चीजों को बाद में हम अपलोड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है लॉन्ग हेडलाइन है, लॉन्ग हेडलाइन हमारे पास एक ही है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को ऐड करना चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन को ऐड कर लेते हैं। अब ये चीजें हमने ऐड कर ली,
यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें अपलोड करनी होगी इमेजेस। इमेजेस को हम यहाँ से अपलोड करना चाहें तो भी अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट या सोशल इमेजेस को अपलोड करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, फ्री स्टॉक इमेजेस को यहाँ से हम सेलेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, अपलोड के इमेज अपलोड के आइकन पे क्लिक करते हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर। यहाँ पर कुछ साइजेस मैंने जो एडजस्ट कर रखे थे कुछ अच्छा, अब ये साइजेस परफेक्टली एडजस्ट होना जरूरी है। यहाँ पर जो बैनर ऐड है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में है, उन साइजेस के मुताबिक एडजस्ट करना जरूरी है। अगर उन साइजेस के मुताबिक एडजस्ट नहीं होगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है अपलोडिंग में एरर होगा। अब इसमें से एक दो साइजेस कुछ हैं जो कि मैंने खुद जो है डिफरेंट रखे हैं कि आपको आइडिया हो कि किस तरह से एरर आएगा। अब यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर 15 इमेजेस जो है अपलोड किए हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 12 या 13 जो है वही अप्रूव होंगी, दो से तीन जो है उनमें इश्यू होगा। अब ये देखें 7.jpg और 12.jpg, इन दोनों में इश्यू है। इश्यू क्या है, डायमेंशंस आर नॉट अलाउड, डायमेंशंस आरंट अलाउड। तो ये जो डायमेंशंस हैं ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो उनको अगर आप या डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, या अगर आप डिसमिस करें तो वो सेलेक्ट हो जाएंगी बट थोड़ी स्ट्रेच हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको डिसमिस करके यहां से सेव कर देता हूँ, यहां पर आ जाएगा हमारे पास जो हमारी इमेजेस हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि इमेजेस अपलोड हमने कर दिए हैं, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस हो गई हैं। वीडियोस अगर आप अपलोड करना चाहें तो वीडियोस को किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास लोगोस का ऑप्शन है, यहाँ पर वीडियोस का ऑप्शन है। दोनों चीजों को अगर आप अपलोड करना चाहें अलहदा अलहदा से तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है लोगोस का ऑप्शन है, सेम उसी तरह से मैं लोगो को अपलोड करना चाहूँ तो यहाँ लोगो को भी अपलोड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं जस्ट आइडिया के लिए कोई भी चीज अपलोड कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो जो है हमारा लोगो ही होगा। मैं जस्ट यहां से जस्ट फॉर आइडिया लोगो एक है मेरे पास पड़ा है PNG, उस लोगो को मैं यहां से अपलोड कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके मैंने अपलोड किया और यहां से मैं इसको कर लेता हूं सेव। अब ये हो गया मेरे पास लोगो। अब वीडियोस को अपलोड करना चाहें तो यहां से वीडियोस को भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो चीजें ऑलरेडी हमने ऐड की हैं उनमें अगर एडिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब यहां पर हमें अपना प्रीव्यू नजर आ रहा होगा कि जो हमारा एड है उसका प्रीव्यू किस तरह से नजर आएगा, जो भी हमारे पास जितने भी यहाँ पर हमने दिए हैं बैनर्स दिए हैं वो किस तरह से नजर आएंगे, ये है हमारे पास। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास हमने लोगो, हेडलाइंस, टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस और इमेज दी थी। इमेज हमारे पास यहाँ नजर आ रही है, लोगो हमारे यहाँ पर नजर आ रहा है, आजाद चाय वाला इंस्टीट्यूट ये जो है हमारा हेडलाइन में एडिड है, और ये जो है हमारा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब इस एड को आप क्लोज करना चाहते हैं या ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब ये है वेबसाइट्स और एप्स के ऊपर किस तरह से नजर आएगा, ये है हमारे पास एक बैनर ऐड। उसी तरह से जितने भी बैनर्स हमने ऐड किए हैं उन सब का प्रीव्यू यहाँ पे नजर आ सकता है। ये सेकंड साइज है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड साइज है, उसके बाद ये हमारे पास फोर्थ साइज है। अब जो है ये रेक्टेंगल में आ रहा है और आप देखें यहाँ पर ये क्रॉप हो चुका है ऑटोमेटिकली। यहाँ पर जो कुछ साइजेस में हमारा एरर था तो देखें ऑटोमेटिकली जो है क्रॉप हो चुका है, कंप्लीट नजर भी नहीं आ रहा, तो साइज जो है वो परफेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट ये है, और ये जो है इसमें भी शायद इशू था इसीलिए जो है क्रॉप हो चुका है, नीचे से नजर नहीं आ रहा। और ये हमारे पास है वर्टिकल साइजेस हैं, ठीक है। शो मोर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जितने मजीद हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है हमने क्या क्या चीजें सेलेक्ट की हैं, हमारे पास तीन हेडलाइंस हैं, हमारे पास तीन डिस्क्रिप्शंस हैं, 13 इमेजेस हैं और दो लोगोज हैं, ठीक है। अब दो लोगोज जो हैं उनमें से इस लोगो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये वर्टिकल लोगो लैंडस्केप में आ रहा है तो हमारा जो है वो स्क्वायर में है तो ये जो है स्ट्रेच हो जाएगा अगर किसी जगह पर हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। तो जो चेंजेस हमने की होंगी, जो जो चीजें हमने एडिट की होंगी इमेजेस में भी सेम उसी तरह से यहाँ पर आप किसी भी इमेज को यहाँ एडिट करना चाहें, जो एडिट मीन्स कि यहाँ से आप चाहते हैं कि वो नजर ना आए तो कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा वो जो चेंजेस आपने की होंगी। अब इस सारी चीजें करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सेम उसी तरह से हमारे पास रिव्यू का सेक्शन आएगा, अगर कहीं पे एरर होगा, कहीं कोई चीजें इशू होगा किसी में तो वो हमारे पास नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इशू क्या है, वैल्यू इज रिक्वायर्ड, जो हमारा बजट एंड बिडिंग था वहां पर हमने बजट जो है वो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ नहीं है, 1500 रुपीज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रिव्यू में, ठीक है। बाकी जो ऑडियंस सेगमेंट्स हैं, लोकेशंस है और
टारगेटिंग है, इंटरेस्ट बेस्ड बिहेवियर्स और डेमोग्राफिक्स, ये चीजें कैसे करते हैं ऑलरेडी हम पहले से बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कैंपेन नेम है, कैंपेन नेम, कैंपेन टाइप है, गोल है, फाइनल यूआरएल है, और ये सारी चीजें जो हमने ऐड की हैं। सेम उसी तरह से पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी कैंपेन जो है वो पब्लिश हो जाएगी। बट अभी हम कैंपेन को जो है ये जस्ट मैंने आइडिया के लिए क्रिएट की थी, एक डमी कैंपेन है, पब्लिश नहीं करना चाह रहे। वैसे अगर आप पब्लिश करना चाहेंगे तो यहाँ पब्लिश कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर हम वीडियो एड्स को रन करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, सिंपल हमने यहाँ पर न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ न्यू कैंपेन क्रिएट करेंगे, सिंपल यहाँ पे हमने गोल जो है वो सिलेक्ट नहीं करना, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वीडियो एड, यहाँ वीडियो एड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कस्टम वीडियो कैंपेन और इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें कैंपेन नेम सिलेक्ट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल वीडियो डेमो एड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर बिड स्ट्रेटजी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। बिड स्ट्रेटजी अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारे पास बिड स्ट्रेटजी में दो स्ट्रेटजीज हैं, मैक्सिमम सीपीवी और टारगेट सीपीएम। मैक्सिमम सीपीवी में क्या होगा कि कॉस्ट पर व्यू के हिसाब से हम पे कर रहे होंगे, और सीपीएम में क्या होगा कॉस्ट पर माइलस्टोन के हिसाब से हम पे कर रहे होंगे। कॉस्ट पर माइलस्टोन हम करना चाहें तो कॉस्ट पर माइलस्टोन के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमें बजट सेलेक्ट करना है, बजट हम डेली बजट सेलेक्ट करना चाहें तो डेली सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम कैंपेन टोटल सेलेक्ट करना चाहें तो कैंपेन टोटल हम सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया हमारे टोटल कैंपेन का, और ये शेड्यूल पे हम कर देते हैं कि आज से 4 दिन बाद ये स्टार्ट होगा। और यहाँ पर एक तो ये जस्ट रफ आइडियाज हैं कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना या 2 महीना, बट यहाँ पर हम करते हैं 19 से स्टार्ट होगा और ये 31 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 12 मार्च से स्टार्ट होकर 31 तक जाएगा, 17 से 18 दिन जो है हमारे पास यहाँ पर होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लोकेशंस हैं, लैंग्वेजेस हैं, इन चीजों को ऑलरेडी हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लोकेशन हमारी पाकिस्तान है, ऑल लैंग्वेजेस में हम जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है रिलेटेड वीडियोज का। यहाँ पर रिलेटेड वीडियोज में क्या होगा, हमने 2 वीडियोज सेलेक्ट करनी है जो हम अपने एड के रिलेटेड समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर हम उसको उन वीडियोस का यूआरएल भी पेस्ट कर सकते हैं और उन्हीं वीडियोस का को यहां पे सर्च भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आइडिया के लिए यहां पर सर्च कर रहा हूं आजाद भाई की 2 वीडियोस को सर्च कर लेते हैं, आजाद चाय वाला, और यहां पर मैंने 2 वीडियोस को यहां पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। यहां पर डन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये होगी हमारी रिलेटेड वीडियोस जो कि हमारे एड के रिलेटेड हैं, उससे मिलती जुलती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड ग्रुप नेम रखना है, यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल हमने रख दिया एड वीडियो, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेमोग्राफिक्स हैं, डेमोग्राफिक्स में हमारे पास जेंडर है, एज है, पेरेंटल स्टेटस है, उन चीजों को हम सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑडियंस सेगमेंट्स, ऑडियंस सेगमेंट्स में से भी हम इन चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये चीजें हम ऑलरेडी जो है पहले डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं कंप्लीट ऑडियंस सेगमेंट किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें कीवर्ड सेलेक्ट करनी है, टॉपिक्स और प्लेसमेंट सेलेक्ट करनी है। मेन जो चीज हम, क्योंकि पहले से ये चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीजें, तो मेन चीज जो हमारी स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ से यूट्यूब वीडियो, जिसका यूआरएल हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। या सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि उस YouTube वीडियो को हम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं जो कि हमारे एड में नजर आएगी, ठीक है। तो मैं एक आजाद भाई की ही वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूं, ये मैंने सर्च कर लिया आजाद चाय वाला, ठीक है। और रिकमेंडेशन ये होती है कि 1 मिनट से कम की वीडियो हो तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए मैं एक शॉर्ट जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि 54 सेकंड का है। अब या हम बम्पर ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो भी चला सकते हैं, या हम स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड चलाएंगे। हम यहाँ पर स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड चलाएंगे जिसको जो हमारे वीडियो में आएगा और उसको हम यहाँ पे स्किप भी कर सकेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें जो हमारा डेस्कटॉप प्रीव्यू है, या यहाँ पर जो हमारा टीवी प्रीव्यू है, यहाँ डेस्कटॉप प्रीव्यू में देखें तो हमारा ऐड जो है जिस तरह से नजर आएगा। फाइनल यूआरएल ये रिक्वायर्ड है कि इसके बाद जो क्लिक करेगा इस ऐड पे तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, ये आजाद भाई की जो वेबसाइट है इसी का लिंक कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जो हमारा ऐड देखेगा, ऐड देखने के बाद उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो जो वेबसाइट है उसके ऊपर रिडायरेक्ट होगा। ये होगा हमारा डिस्प्ले यूआरएल, कि ये है हमारा फाइनल यूआरएल जो कि जिसपे रिडायरेक्ट होगा, और ये है डिस्प्ले यूआरएल
जो नजर किस तरह से आएगा, इसमें हम कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लर्न टू अर्न मैंने लिख दिया। अब यहां पर है कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ बटन्स दिए गए होते हैं, स्टार्ट नाउ, वॉच नाउ, बुक नाउ, साइन अप। हम क्या करेंगे, लर्न मोर का बटन यहां पर ऐड कर देंगे। ये जो बटन होगा यहां पर, जो हमारा बटन है वो लर्न मोर का बटन जो है वो उसमें चेंज हो जाएगा। यहां पर हमारे पास है हेडलाइन, ठीक है, तो हेडलाइन यहीं से हम कोई भी कॉपी कर लेते हैं। यहां से कोई भी चीज को, हेडलाइन को हम कॉपी कर रहे हैं, जस्ट आइडिया के लिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, ये वाली हेडलाइन, हु इज आजाद चाय वाला, ठीक है। 15 वर्ड्स में होना चाहिए, ज्यादा बढ़ रहा है, तो मैं इसको यहां पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब यहां पर जो है हमें बताना होगा, ठीक है, अगर हम ऑटो जनरेट यूजिंग चैनल बैनर जो है ये रिकमेंडेड है, ठीक है, यहां पर इसका जो है बैनर सेलेक्ट हो जाएगा, या हम कस्टम इमेज अपलोड करना चाहें बैनर के तौर पे, ठीक है, तो इसको अपलोड एन इमेज के ऊपर क्लिक करके हम यहां से अपलोड भी कर सकते हैं। चूज फाइल के ऊपर आके हम जो है अपलोड करना चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं, बट हम इसी पर रखेंगे ऑटो जनरेट के ऊपर, ताकि ऑटोमेटिकली जो इसका थंबनेल है उसी के हिसाब से जो है जनरेट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहां पर है बिड। अब बिड हमने जो रखी है वो हमने रखी थी सीपीएम पे, कॉस्ट पर माइलस्टोन। अब यहाँ पे एक तो हमें ये नजर आ रहा है कि हमारे पास जो रिकमेंडेशन है वो 125 की है, ठीक है, मैं 150 पे यहाँ पर रख देता हूँ, कि जो हमारी कैंपेन होगी वो हम रख रहे हैं 150 रुपीज पर 1000 इंप्रेशंस के ऊपर। यहाँ पर कैंपेन क्रिएट कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें एक एरर हमें शो हो रहा है, वो एरर क्या है, वो एरर ये है कि इसमें हमने यहाँ पर स्पेस जो है वो डाल दी थी लर्न टू अर्न के दरमियान, तो स्पेस हमें यहाँ पर नहीं डालनी, हम कोई भी और कैरेक्टर यूज कर लेते हैं। अब हम क्रिएट कैंपेन के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और जो हमारी कैंपेन है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ये इसका जो है हमारी कैंपेन जो है वो रेडी है। कंटिन्यू टू कैंपेन के ऊपर हम क्लिक करें तो हमारी जो कैंपेन है वो क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर हमारी कैंपेन जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर नॉट एलिजिबल स्टेटस जो है वो नॉट एलिजिबल इसलिए आ रहा है, और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा योर एड्स, योर अकाउंट कैन नॉट रन एड टू रन एड्स एंटर योर बिलिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये एड अकाउंट हमने नया ही क्रिएट किया था, इसके ऊपर हमने कोई बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो एड नहीं की थी। तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन को अगर हम ऐड करना चाहें, फिक्स इट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो हमारा कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसकी जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है उस कार्ड को ऐड करके और जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके जरिए से हम कर सकते हैं। पाकिस्तान कंट्री सिलेक्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट जो करेंसी है वो भी हमारी पाकिस्तान ही, पीकेआर सिलेक्टेड है। यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल के लिए बनाना चाहते हैं तो इंडिविजुअल के लिए बनाएंगे, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए कर लूँ तो इंडिविजुअल के लिए कर सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना चाहें तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंडिविजुअल के लिए बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें एड्रेस लिखना होगा, एड्रेस लाइन वन है, एड्रेस लाइन टू है, और यहाँ पे उसके मुजाफात में कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपनी सिटी का नेम लिख देता हूँ और ये हमारा टाउन है, टाउन या सिटी, यहाँ पर हमारा पोस्टल कोड होगा, यहाँ पर हमारा फोन नंबर है, और फोन नंबर जो है वो ऑप्शनल है, वो आप लिखना चाहें ना लिखना चाहें आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर जो है हमारे कार्ड की जो पेमेंट है वो ऐड होगी। अब यहाँ पर हमें कार्ड लगाना है, जो कार्ड के ऊपर नंबर है, यहाँ पर कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है मंथ और ईयर यहाँ पे है सीवीसी, ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारा जो कार्ड के ऊपर नेम है। अब इसके रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, हमारा जो डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है वो यहाँ पर लग तो जाएगा, बट इसमें अगर आपका मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड है वो लग सकता है। उसके रिलेटेड अगर आपको चाहे, काफी बैंक होते हैं जिसका वर्चुअल कार्ड मिल जाता है, वर्चुअल कार्ड पे भी आप लगा सकते हैं, फिजिकल कार्ड पे भी लगा सकते हैं। अगर आपका फिजिकल कार्ड है, कोई भी आपका बैंक है, तो उस बैंक की ऐप पे भी, ऐप से भी आप कर सकते हैं या बैंक में कॉल करके भी कर सकते हैं। आपने उसकी ई कॉमर्स पेमेंट्स और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उनको एक्टिवेट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये सीवीसी क्या होता है, जो हमारा कार्ड होता है, कार्ड के बैक साइड को अगर हम फ्लिप करें तो उसके बैक साइड पे हमें 3 डिजिट्स मिल रहे होते हैं, वो होता है कार्ड का नंबर है और नेम हमने वो लिखना है जो हमारा कार्ड के ऊपर है, ठीक है, और मंथ और ईयर ये है जो हमारा कार्ड का एक्सपायरी डेट होती है, कार्ड कब एक्सपायर होगा वो कार्ड की फ्रंट पे ही लिखा हुआ होता है, तो यहाँ से हम उस चीज को लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर आके टर्म्स एंड कंडीशंस को कर लेना है,
अग्री और सबमिट की बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो कार्ड है वो सबमिट हो जाएगा और जैसे ही हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगी ठीक है तो अंडर रिव्यू जाएगा और कुछ ही देर में यूजली वो जो है अप्रूव हो जाता है। तो हमारे जो पहले हमने एड क्रिएट किया था और यहाँ पर हमने बिलिंग मेथड ऐड किया है, पेमेंट मेथड ऐड किया है, तो हमारा जो पेमेंट मेथड है वो पूरे एड अकाउंट का जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम बार बार हमें जरूरत नहीं होगी वो मेथड बार बार हर बार ऐड करने की, और जो भी हमारी कैंपेन होगी पहले हमने क्रिएट कर रखी होगी वो भी क्रिएट हो जाएगी, वो भी एक्टिव हो जाएगी, और जो नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे वो भी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास किस तरह से हम YouTube वीडियो ऐड को रन कर सकते हैं, और साथ ही हमने ये चीज डिस्कस कर ली कि पेमेंट मेथड हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्या होती है और हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में सिंपल ये होता है कि हम कुछ कंट्रोल जो है वो गूगल को दे देते हैं, हम अपना टेक्स्ट प्रोवाइड कर देते हैं, वीडियोस, लोगो और इमेजेस, बैनर्स, ये सारी चीजें जो है हम प्रोवाइड कर देते हैं और गूगल खुद डिसाइड करता है कि मैंने अभी वीडियो ऐड दिखाना है, अभी मुझे सर्च ऐड दिखाना है, बैनर ऐड दिखाना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरीके से दिखाया जा रहा होता है। अभी एट अ टाइम सर्च ऐड में होता है तो हमारा सर्च ऐड रन हो रहा है, गूगल ऐड के सर्च ऐड में हम सिर्फ सर्च ऐड रन कर रहे हैं, बैनर ऐड में हम बैनर ऐड रन कर रहे हैं, वीडियो ऐड में हम वीडियो ऐड रन कर रहे हैं। बट इसमें क्या होता है कि एट अ टाइम हमारे 4 से 5 टाइप्स सब जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह से नजर आ रहे होते हैं। खुद गूगल डिसाइड करता है कि कौन सी इमेज, कौन सा टेक्स्ट और कौन सा लोगों के साथ किस टाइप का मुझे ऐड दिखाना है। ठीक है, इस चीज को ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल हमें क्रिएट अ कैंपेन विदाउट द गोल्ड गोल्स ऑडियंस पे क्लिक करना है, यहां से हमें परफॉर्मेंस मैक्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहां से हम कर देंगे इसको कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहां पर हमारे पास जो है कैंपेन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक इंफॉर्मेशन जो है हमें यहां से देनी होगी। यहां पर हम स्टार्ट करेंगे अपना बजट। ठीक है, बजट हम फॉर एग्जांपल यहां पर रख देते हैं 5000 रुपीज, ये हमारा टोटल बजट है। ठीक है, यहां पर हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि बाकी चीजें जो है ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा डिटेल में देख चुके हैं, डेमोग्राफिक्स, लैंग्वेजेस, लोकेशंस, ये सारी चीजें पहले से हम देख चुके हैं। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर जो है हमारा यहाँ एड ग्रुप नेम दे सकते हैं, यहां पर हमारा जो है एड जो है बनना स्टार्ट होगा। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पर YouTube का भी हमें ऑप्शन मिल रहा है, Gmail का भी ऑप्शन मिल रहा है, सर्च ऐड भी है, डिस्प्ले भी है, डिस्कवरी ऐड भी है। तो अब हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स, 5 डिफरेंट टाइप के ऐड डिफरेंट तरीकों से नजर आएंगे। यहाँ पर हमारा होगा फाइनल URL। फाइनल URL क्या है कि जो हमारा ऐड है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो व्यूअर है वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर दो बार पेस्ट हो चुका है तो एक ही बार मैं यहाँ पर पेस्ट करता, तो इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी है, सबसे पहली चीज है हमारी इमेजेस, फिर हमारे पास है लोगोज और वीडियोज वगैरह। ठीक है, अब उसके बाद हमें फिर नीचे जाके और डिटेल में भी इसको बनाना होगा। ठीक है, इसमें होगा क्या कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हम एट अ टाइम जो है अपना एड जो है वो दिखाना चाह रहे हैं और वो हम जो है दिखा सकते हैं इजीली। अब सबसे पहली चीज हम ऐड कर देते हैं इसमें इमेजेस। इमेजेस के बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। इमेजेस के बटन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे पहले हमें ये नजर आ रहा है ऐड अप टू 20 इमेजेस। अब यहाँ पर एसेट लाइब्रेरी में जो भी हमारी इमेजेस हैं वो ऐड की हुई होंगी तो वो यहां से ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट और सोशल से लेना चाहें या हम अपलोड करना चाहें। ये जो इमेजेस हमने अपलोड की हैं इनमें अगर कोई भी इमेज उसकी डायमेंशन जो है वो परफेक्टली फिट नहीं होगी गूगल एड्स के मुताबिक तो यहाँ पर हमें एरर आ रहा है। यहाँ पर जो है ये अप्रूव्ड इमेजेस हैं। ठीक है, और इन इमेजेस को जो है हम यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि अगर हम इसी तरह से डिसमिस करके जाने देंगे तो वो इमेजेस जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगी। यहाँ पर हम कर देते हैं सेव। यहाँ से हमने अपलोड कर दी इमेजेस, यहाँ पर हमें नजर भी आ रहा है यहाँ पर 4 चीजें हैं, इमेजेस, हेडलाइंस, वीडियोस और डिस्क्रिप्शन। यहां से हमने इमेजेस अपलोड कर दी। उसके बाद है लोगोज, अगर हम लोगोज अपलोड करना चाहें या मैं यहीं से इन लोगोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको जस्ट एज अ लोगो सेलेक्ट कर लें या इसको भी हम अपलोड कर लेते हैं, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर डाउनलोड में मेरे पास कुछ PNG लोगोज पड़े हैं। ठीक है, तो इन लोगोज को जो है मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट आइडिया के लिए जो है इन लोगोज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर 5 से 6 लोगोज हैं। लोगोज में भी यही होगा, अगर लोगोज जो है वो हमारे पास जो है परफेक्ट डायमेंशन नहीं होगी, कोई इशू होगा तो उसमें भी एरर आ जाएगा। बट हमारे पास जो है 5 लोगोज की हमारे पास जो है लिमिट होती है। और यहाँ पर जो है हमने कितने लोगों सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर हमने अपलोड किए थे 6, तो टोटल जो है हमारे पास इसको हम जो है वो डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये स्ट्रेच होकर आ रहा है। ठीक है,
तो हमारे पास चार लोगोज ये हो जाएंगे, ठीक है, और एक लोगो जो है हम यहाँ पर और सिलेक्ट कर लेंगे, बल्कि ये भी डबल हो जाएगा, तो इस लोगो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो है पांच लोगोज जो है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, और इसको कर देते हैं हम सेव। अब हमारे पास यहाँ पर इमेजेस भी अपलोड हो चुकी हैं, लोगोज भी अपलोड हो चुके हैं। सेम उसी तरह से अब हम क्या करते हैं, वीडियोस को सिलेक्ट करते हैं। अब वीडियोस को अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लाइब्रेरी एसेट्स में वीडियोस मौजूद हैं, तो उनको भी कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसी तरह से आजाद चाय वाला, आजाद भाई के टैग को मैं सर्च करता हूँ, और यहाँ पर मैं कोई भी जो है वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसमें भी लेस देन अ मिनट की वीडियो हमें चाहिए होगी, वैसे लेस देन अ मिनट में ज्यादा भाई ये शॉर्ट्स ही होते हैं, बाकी वीडियोस तो लेस देन अ मिनट में लॉन्ग वीडियोस तो होती नहीं है, तो हम क्या है शॉर्ट्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। 37 सेकेंड का एक शॉर्ट है, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और मजीद अगर किसी और वीडियो को सिलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद एक आध और भी सिलेक्ट कर लेते हैं शॉर्ट्स। ओके, ये तीन शॉर्ट्स मैंने सिलेक्ट कर लिए और इनको मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ पर हमारे पास वीडियोस भी आ गई, लोगोस भी आ गए, इमेजेस भी आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, इमेजेस और लोगोस के कॉम्बिनेशन से हमारा डिस्कवरी ऐड नजर आएगा, डिस्प्ले ऐड नजर आएगा, और जीमेल पे नजर आएगा। यूट्यूब एड्स हमारे नजर आएंगे वीडियो ऐड लोगोस के कॉम्बिनेशन से, और जो हमारा सर्च ऐड है वो हमारा नजर आएगा, जो हमने हेडलाइंस देनी है, लॉन्ग हेडलाइंस देनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, साइट लिंक्स ऐड करनी है, ठीक है, और ये चीजें पहले हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ठीक है। जो हमने सर्च ऐड क्रिएट किया था, यहाँ पर हेडलाइन जो है हमें अप टू 30 वर्ड्स की देनी है, तो मैं हेडलाइंस में क्या करता हूँ, यहीं से कुछ हेडलाइंस जो है उनको सिलेक्ट कर देता हूँ। व्यू सजेशंस के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आजाद चाय वाला इंस्टीट्यूट है, हु इज आजाद चाय वाला, ठीक है, उस हिसाब से मैं कुछ हेडलाइंस जो है मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, ठीक हो गया। रिकमेंडेशन के साथ ही मैं गया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हेडलाइंस सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास लॉन्ग हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन मैं जो है डिस्क्रिप्शन से यहीं से कुछ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया, रिव्यूज से नहीं करते इसको, यहाँ से ये हेडलाइन सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वर्ड जो है वो ज्यादा थे, इस वजह से वो यहाँ पर आ नहीं रहा था, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप टू 90 वर्ड जो है हम लॉन्ग हेडलाइन लिख सकते हैं, और अप टू 30 वर्ड जो है हम शॉर्ट हेडलाइन लिख सकते हैं, ठीक हो गया। पांच हम लॉन्ग हेडलाइंस लिख सकते हैं, और पांच ही हम शॉर्ट हेडलाइंस लिख सकते हैं। तीन हमने लिखी है यहाँ पे शॉर्ट हेडलाइंस, और लॉन्ग हेडलाइंस हमने यहाँ पे लिखी है दो। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन में भी मैं सेम चीज कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, बट डिस्क्रिप्शन में हमारे पास जो है अप टू 60 वर्ड्स अलाउड है, ठीक हो गया। और मैं यहाँ से कुछ और भी कॉपी कर लेता हूँ, मैं जस्ट आइडिया के लिए चीजों को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। मेन जो हमारे पास ऐड होगा डेफिनेटली उसके पास उसका हमारे पास टारगेट भी होगा, ऑडियंस के लिए हमें जो डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, हमारे पास लोगोस भी होंगे, सारी चीजें होंगी। डिस्क्रिप्शन लिख दिया हमने, ठीक है, उसके बाद हमारा जो बिजनेस नेम है हम यहाँ पर बिजनेस नेम लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम साइट लिंक्स लगाना चाहते हैं तो साइट लिंक्स लगा सकते हैं। साइट लिंक किस तरह से लगा सकते हैं, पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जो हमारा था जो सर्च ऐड था उसमें, यहाँ पर हमारे पास वही साइट लिंक बने हुए हैं, उन्हीं दोनों साइट लिंक्स को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ अप्लाई, तो यहाँ पर नीचे जो है हमें साइट लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ इसको पीसी के प्रीव्यू में देखता हूँ, वीडियो ऐड में यूट्यूब के ऊपर हमारा ऐड किस तरह से रन हो रहा होगा। यहाँ पर हमारा लोगो है, यहाँ पर हमारा टाइटल और हेडलाइंस वगैरह होगी, और यहाँ पर हमारी तीन वीडियोज हैं, डिफरेंट जगह पर हमारी डिफरेंट वीडियोज जो है वो नजर आ रही होंगी, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो जीमेल में ऐड रन हो रहा होगा, अब जीमेल हमारे पास जो ऐड है उसमें हमारे पास यहाँ पर बैनर ऐड रन हो रहा होगा, ठीक है, यह है ओपन, और यहाँ पर क्लोज में डिफरेंट वेरिएशन, ये कुछ इस तरह से हमारा जो ऐड है वो रन हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा जो सर्च ऐड है वो कुछ इस तरह से रन हो रहा होगा, पीसी में हमारे पास देख लें, या मोबाइल प्रीव्यू में अगर आप देख लें। उसके बाद जो हमारा डिस्कवरी ऐड है, डिस्कवरी ऐड हमारा कहाँ पे रन होता है, डिस्कवरी ऐड हमारा रन होता है बैनर ऐड की फॉर्म में, यूट्यूब के ऊपर रन हो सकता है हमारा डिस्कवरी ऐड, और किसी भी और जगह पे हम हमारा डिस्कवरी ऐड जो है वो रन हो सकता है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो हमारा यहाँ पर सर्च बार है, ऑर्गेनिक सर्चेज में भी आ सकता है, हमारी वीडियो भी आ सकती है, बैनर भी आ सकते हैं।
उसके बाद डिस्प्ले ऐड है ये, ठीक है। डिस्कवरी ऐड जो हमारा वो तो यूट्यूब के जो हमारा फर्स्ट पेज है उसके अंदर भी आ सकता है, या जहाँ पर ये हमारा यूट्यूब है यहाँ ये हमारा फर्स्ट पेज है उसके ऊपर भी आ सकता है, या जहाँ हम वीडियो प्रीव्यू कर रहे होते हैं वहाँ भी आ सकता है। ये है हमारा डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड में हमारा ये ऐड कुछ इस तरह से नजर आएगा। डिस्प्ले ऐड में हम अगर आप वेरिएशन को देखें तो वेरिएशन में ये हमारा एक ऐड यहाँ कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं वो कुछ डिफरेंट तरीके से नजर आएगा। डिफरेंट लोगों को सिलेक्ट किया होगा, डिफरेंट डायमेंशन को सिलेक्ट किया होगा, जो हमने बैनर्स दिए थे, जो हमने हेडलाइंस दी हैं, डिफरेंट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से इन चीज़ों को हमारे सामने प्रीव्यू किया जाएगा। अब परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन में हमने जो है सारे एड टाइप्स को इकट्ठा करके उन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली गूगल को प्रोवाइड कर दिया, और गूगल जो है उन सारी चीजों के अपने हिसाब से एडजस्ट करके किस जगह पे कौन सी चीज को एडजस्ट करके ऐड बना के खुद से दिखा देगा। ये होती है हमारी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन। तो इस तरह से हम किसी भी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को रन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिंपल जो है वो हमारे पास है, हमारे पास रिव्यू का सेक्शन है, ठीक है। रिव्यू में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एरर है तो उस एरर को हम सेलेक्ट जो है वो सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एरर जो आ रहा है वो एरर ये है कि यहाँ पर नीचे जाकर हमने ऑडियंस सिग्नल जो है उसको क्रिएट नहीं किया था। यहाँ क्रिएट एन ऑडियंस सिग्नल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम अपना ऑडियंस को नेम देंगे, ठीक है। ऑडियंस को नेम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं परफॉर्मेंस मैक्स के नाम से ऑडियंस सिग्नल को नेम दे देता हूँ। और यहाँ पर सेम उसी तरह से न्यू सेगमेंट क्रिएट करना चाहें तो न्यू सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं, या आपका ऑलरेडी कोई सेगमेंट जो है लिस्टेड है तो उन सेगमेंट्स को आप जो है यहाँ पर बना भी सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर न्यू के नेम से मैंने यहाँ पर एक जो है सिंपल सेगमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम अगर जो है हमारा जो सेगमेंट है उसके रिलेटेड डाटा हम ब्राउज करना चाहें ब्राउज भी कर सकते हैं, न्यू लिस्ट बना के जिस तरह से पहले हमने डिटेल टारगेटिंग की उस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डेमोग्राफिक्स को ऐड करना चाहें, जो हम पहले से कर चुके हैं इन चीज़ों को, डेमोग्राफिक्स को, इंटरेस्ट बेस्ड बिहेवियर्स को, इन सारी चीज़ों कर सकते हैं। ये हमारे इंटरेस्ट और डिटेल्स हो गई, और यहाँ पर हमारे पास हो गए डेमोग्राफिक्स। इसको हम सिंपल जो है सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा जो ऑडियंस सिग्नल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा एरर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो एरर था वो हमारा जो है वो फिक्स हो चुका है, और हमारे पास सेम उसी तरह से सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पर हमारे एसेट्स हैं, 17 इमेजेस हैं, 5 लोगोज हैं, 3 वीडियोज हैं, 3 हेडलाइंस हैं, 2 लॉन्ग हेडलाइंस हैं, 2 डिस्क्रिप्शन है और 2 साइट लिंक्स हैं। सिंपल पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक करके हम इस कैंपेन को जो है पब्लिश कर सकते हैं। और ये था हमारा कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट प्रोसेस कि हम अपनी परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गूगल एनालिटिक्स क्या है, किस तरह से हम उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको हम किस तरह से अपने गूगल एड मैनेजर के साथ, गूगल एड अकाउंट के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि गूगल एनालिटिक्स है क्या, उसका फायदा हमें क्या होगा। गूगल एनालिटिक्स में जब हम अपने गूगल एड मैनेजर को या गूगल एड अकाउंट को जो है कनेक्ट कर लेंगे तो जो भी हमारी कन्वर्जन होगी उसकी ट्रैकिंग की एनालिसिस जो है हम उसका डाटा जो है हम गूगल एनालिटिक्स से ले सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऐड क्रिएट किया है एक वेबसाइट का, तो अब वेबसाइट के ऊपर हमारे कितने विजिटर्स आए हैं, अब जो वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आए हैं वो कितनी देर उन्होंने स्टे किया है, वो कौन से पेज तक गए हैं, तो उसका डाटा जो है वो हमारे पास आ जाता है गूगल एनालिटिक्स में। उसके बाद अगर हम ऐप के रिलेटेड कोई क्रिएट करते हैं तो उसमें होता है कि हमारे इंस्टॉल्स कितने हुए हैं, या हमारा क्लिक किया है और इंस्टॉल नहीं हुआ, इंप्रेशंस कितने आए हैं, क्लिक्स कितने आए हैं, हमारा CTR क्या था, तो इस सारा डाटा जो है ये सारा डाटा हमारा आ जाएगा गूगल एनालिटिक्स में। और उसी जो हमारी कैंपेन होगी उसको मजीद ऑप्टिमाइज करने में हमारी हेल्प होगी उस डाटा से, या नेक्स्ट टाइम हमारी सेम कैंपेन जो है वो क्रिएट करने के लिए उसी डाटा को एनालाइज करके हम जो है मजीद इंप्रूव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में भी, और दूसरा जो है हमारा एड है उसमें भी। तो अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे, सिंपल आप analytics.google.com पे भी जा सकते हो, या आप साइन अप गूगल एनालिटिक्स लिखें और यहाँ पर आपको गूगल एनालिटिक्स का लिंक जो है वो मिल जाएगा। अब इस लिंक पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास आएगी, वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स। अब उसमें हमने स्टार्ट मयरिंग के बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से हमने अकाउंट जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट करना है। और जो अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं आपको क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि जिस जीमेल के ऊपर, जिस गूगल अकाउंट के ऊपर आपका एड मैनेजर बना हुआ है, गूगल एड अकाउंट बना हुआ है,
उसी के ऊपर आप अगर यूज करेंगे गूगल एनालिटिक्स को, तो आपको कनेक्ट करने में जो है वो आसानी होगी। यहाँ पर मैं जस्ट रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, तो मैं जस्ट नेम रख देता हूँ डेमो अकाउंट। ओके ठीक है, यहाँ पर रेकमेंडेड सेटिंग्स जो हैं उन्हीं के साथ हम जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम हमने लिखना है। प्रॉपर्टी नेम भी मैं जस्ट अपना नेम लिख रहा हूँ, अपने नेम के साथ मैं इसको जाऊंगा। और यहाँ से हमने जो है कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री जो है हमारा पाकिस्तान है। जैसे हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे तो जो कंट्री का हमारा टाइम है वो ऑटोमेटिकली टाइम जोन जो है वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमने करेंसी सिलेक्ट करनी है, तो पाकिस्तानी रुपी हमारी करेंसी है। पाकिस्तानी रुपी PKR अगर मैं अगर आप लिखेंगे तो उसमें नहीं आएगा, पाकिस्तानी रुपी में ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आपका जो बिजनेस साइज है वो कितना है। आप स्मॉल बिजनेस है 1-10 एम्प्लॉयज का, मीडियम बिजनेस है 11-100 का, लार्ज एम्प्लॉयज हैं आपके पास 100-500, या वेरी लार्ज है मोर देन 500-501 से जो है इंक्रीज कर रहे हैं तो मोर देन 501 में जो है वेरी लार्ज बिजनेस में आपका आएगा। तो वैसे भी हमारा बिजनेस जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 11-100 एम्प्लॉयज, मीडियम साइज बिजनेस है। यहाँ पर जो है कौन कौन से आपका डेटा जो है वो लेना चाहेंगे, तो मैं जो है अभी के लिए सबको चेक कर देता हूँ एक्सेप्ट अदर। ठीक है, इन सबको मैं चेक करके यहाँ पर क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट करने से पहले यहाँ पर अगेन जो है मुझे कंट्री वेरीफाई करना पड़ेगा, कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार आपने यहाँ पर इसको अप्रूव कर देना है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। आई एक्सेप्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ओके, थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपका जो बेसिक अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपका ईमेल कम्युनिकेशन से आप क्या क्या चीजें लेना चाहते हैं, परफॉर्मेंस सजेशंस और अपडेट्स लेना चाहते हैं, फ्यूचर अनाउंसमेंट्स है, फीडबैक एंड टेस्टिंग है, ऑफर्स फ्रॉम गूगल, आप जिस चीज के रिलेटेड जो है ईमेल के ऊपर सजेशंस और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर चेक करके सेव कर सकते हैं। बट मैं नहीं लेना चाहता, अगर ये कोई भी ईमेल मैं नहीं लेना चाहता तो अनटिक ऑल एंड सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको मैं यहाँ से सेटअप कर लूंगा। ओके, अब ये हमारे पास बेसिक जो है इसका इंटरफेस है। अब अगर मुझे अपना जो है एड मैनेजर इसके साथ कनेक्ट करना है, तो सिंपल एड मैनेजर कनेक्ट करने के लिए अगर यहाँ एडमिन सेटिंग के ऊपर आप आएंगे, ठीक है, तो वहां से भी हो जाएगा। ये हमारी एडमिन सेटिंग है। अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट ये चीजें नजर ना आ रही हो तो ये हमारी जो है एडमिन सेटिंग्स है। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास और कोई चीज सामने नहीं आ रही थी, तो मैं सेटिंग्स में से जाके एडमिन सेटिंग्स को ओपन करूंगा। और एडमिन सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे मैं गूगल एड लिंक के ऊपर आऊंगा, गूगल एड्स लिंक्स के ऊपर आऊंगा। अब यहाँ पर क्योंकि अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया और कोई जो है हमारा एड अकाउंट जो है वो लिंक्ड नहीं है, यहाँ लिंक के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब लिंक के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हमने करना है चूज गूगल एड्स अकाउंट। अब चूज गूगल एड अकाउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है दो एड अकाउंट्स हैं। अब ये दोनों एड अकाउंट जो है हमारे उसी ईमेल पे हैं जिससे हम गूगल एनालिटिक्स को क्रिएट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैनेजर अकाउंट जो है मेरे अपने नाम से है, ठीक है, उसी को मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कन्फर्म। जैसे हम कन्फर्म के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ रिकमेंडेड सेटिंग्स जो है उन्हीं के साथ हम आगे जाएंगे और कर देंगे सबमिट। अब जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी और यहाँ पर आपको लिंक क्रिएटेड का बटन जो है वो नजर आ जाएगा। ये अकाउंट जो है यहाँ पर आपको फिर बाद में भी नजर आ जाएगा कि ये अकाउंट जो है लिंक हो चुका है। ठीक है, पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग जो है वो इनेबल हो चुकी है और अकाउंट टाइप है मैनेजर अकाउंट। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब इस अकाउंट की आपको प्रॉपर्टीज नजर आ रही है। अब ये अकाउंट जो है इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर जो है एज एन एडिटर एक्सेस भी है, बिलिंग एक्सेस भी है, ईमेल ओनली भी है, रीड ओनली भी है, स्टैंडर्ड भी है। वैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटर और बिलिंग के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक्सेस मिल जाती है, तो बाकी सारी भी आ जाती हैं। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस जो है इस अकाउंट की रिमूव करना चाहते हैं या बिलिंग के रिलेटेड रिमूव करना चाहते हैं, कोई एक्सेस जो है रिमूव करना चाहते हैं, सिंपल आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर की सेटिंग्स जो है वो ओपन होंगी और यहाँ से अगर मैं रिमूव करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, नन के ऊपर क्लिक करके और रिमूव कर देंगे, सॉरी एडिटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ रिमूव कर देंगे तो एडिटर रिमूव हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ
रिमूव कर देंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर रिमूव हो जाएगा। सिंपल, हमने रिमूव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एडिटर के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं कंफर्म कर देता हूँ कि मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, जो एडिटर एक्सेस है इसके पास तो मैं रिमूव करना चाहता हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश होगा और आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो एक्सेस है वो यहाँ पर हो चुकी है नन, और यहाँ से कर देंगे हम सेव। तो अब ये जो गूगल एड अकाउंट है उसको हमने गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट भी कर लिया है, और इसकी जो एक्सेस है वो हमने फॉर एग्जाम्पल एक एक्सेस हमने एडिटर की खत्म कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटर की खत्म कर दी, उसके बाद बिलिंग में जो एक्सेस है तो उसको भी हम खत्म कर देते हैं, हम जस्ट रीड ओनली कर देते हैं। तो जो एनालिसिस है ये अकाउंट सिर्फ एनालिसिस को रीड कर सकेगा, उनमें एडिट नहीं कर सकेगा, उनको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस जो है वो हम खत्म कर दें, तो ये चीज होती है, ठीक है। सिंपल, हम होम बटन पे आए अगर, ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो चीजें मिलती हैं वेबसाइट के रिलेटेड आप करना चाहते हैं, एंड्रॉइड ऐप या iOS के रिलेटेड करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास होंगी रिपोर्ट्स, ठीक है, जब हम ऐड रन करेंगे और ऐड रन करने के बाद हमारा जो इनसाइट्स हैं, हमारे जो डाटा होगा वो यहाँ पर एनालाइज होकर आएगा। कंप्लीट डाटा जो होगा, जो भी हमारा एड मैनेजर है उसको हमने कनेक्ट कर लिया। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरह से हम गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करने के बाद उसके अंदर जो है हम गूगल एड मैनेजर को एक्सेस दे सकते हैं, और जिस टाइप की एक्सेस आप देना चाहें, एडमिनिस्ट्रेटर की देना चाहें या रीड ओनली की देना चाहें, तो जिस टाइप की एक्सेस देना चाहें। तो ये था हमारा कंप्लीट सेटअप गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड मैनेजर को कनेक्ट करने का। अस्सलाम वालेकुम, किस तरह से हम अपना जो है गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उस वेबसाइट का डेटा जो है हम गूगल एनालिटिक्स में किस तरह से ले सकते हैं, इसके लिए हमें जो HTML कोड है उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, और ये जो HTML कोड है ये हमें गूगल एनालिटिक्स से ही मिलेगा, हमने खुद से क्रिएट नहीं करना होगा, गूगल एनालिटिक्स से हमें HTML कोड मिलेगा, जस्ट उसको कॉपी करके हमने वेबसाइट के हेडर के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। अब उसमें होगा क्या कि हमारी वेबसाइट के ऊपर इस वक्त कितने एक्टिव यूजर्स हैं, पहले कितना डेटा उस पर मौजूद था, कौन कौन आया, किस किस पेज पे आया, कितनी टाइम तक वो रहा वहां पे, जो है एवरेज यूज क्या था, एवरेज जो है एक बंदा हमारी वेबसाइट पे कितनी देर रुका, वो किस एज का था, उसकी लैंग्वेज क्या थी, लोकेशन क्या थी, जेंडर क्या था, ये सारी चीजें जो है हमें डेटा मिलेगा उसको कनेक्ट करने से। अब किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपल, हमने यहाँ पे सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने डेटा स्ट्रीम्स जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जो भी हमारी वेबसाइट है उसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ से हमने ऐड स्ट्रीम के बटन के ऊपर क्लिक करना है, हमारी जो iOS ऐप है या एंड्रॉइड ऐप है या वेबसाइट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी हमारे पास है वेबसाइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ वेबसाइट है, ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें वेबसाइट का जो है लिंक पेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एक सिंपल ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, मैं उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसका मैंने लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया और साथ ही यहाँ पे मैंने उसका नेम लिख दिया। ओके, यहाँ पर हमने जनरेट क्रिएट स्ट्रीम के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्रिएट स्ट्रीम के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमें मिलेगा वो कोड, जो जिस कोड को हम कॉपी करके और अपना जो वेबसाइट है उसके हेडर में जाकर पेस्ट करेंगे, और उस हेडर में पेस्ट करने के बाद जैसे ही हम सेव करेंगे थोड़ी ही देर में हमारे पास जो है उसका डाटा यहाँ पर लाइव डाटा शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इंस्टॉल मैनुअली के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब ये वो कोड है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे जो है कॉपी का बटन दिया हुआ है, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हमने जाना है, मेरे पास ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो उसमें मैं यहाँ पर थीम के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो है कस्टमाइज के बटन के साथ जो है इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एडिट HTML के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने देखना है हेडर कहाँ पे है, सिंपल जो है टॉप पे जो हमारा हेडर होगा यहाँ पे ये हमें लाइन नंबर 4th में नजर आ रहा है, ये हमारा हेड है और इसके अंदर जो हमने कोड कॉपी किया था सिंपल उसको हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ से हम कर देंगे उसको सेव। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, अपडेट सक्सेसफुल, ठीक है। अब जैसे ही अपडेट सक्सेसफुल होगा उसके बाद आपको यहाँ पर इसको रिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश भी हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक रिफ्रेश भी हो जाएगा, अगर ऑटोमेटिक रिफ्रेश ना हो तो आप मैनुअली भी रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो है स्ट्रीम जो है वो क्रिएट हो चुकी होगी। अब ये जो स्ट्रीम क्रिएट हो चुकी है एक मैं पहले ऑलरेडी कर चुका था, इस वजह से मुझे यहाँ पर दो नजर आ रही है, ये स्ट्रीम जो है हमने अभी क्रिएट की है। इस स्ट्रीम को क्रिएट करने से हमारे पास जो डेटा है इसका यहाँ पर आएगा,
सिंपल आप होम बटन के ऊपर क्लिक करें। अब यहां से मैं उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं। यहां पर मैंने वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है, दूसरी जीमेल में भी मैं उस वेबसाइट को जो है ओपन कर लेता हूं। यहां पर भी मैंने उस वेबसाइट को ओपन कर लिया, ठीक है, यहां पर भी ओपन हो गई, यहां पर भी ओपन हो गई। ये सिंपल एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, ठीक हो गया। अब यहां पर हमें नजर आ रहा है योर वेबसाइट डाटा कलेक्शन इज एक्टिव। अब जो हमने वेबसाइट जो यहां पर कनेक्ट की थी उसका डाटा जो है वो एक्टिव हो चुका है, लेकिन इट मे टेक अप टू 24 आवर्स टू अपियर इन द एनालिटिक्स अकाउंट। अब ऑलमोस्ट 24 आवर्स ले सकता है जिसमें ये कंप्लीट डाटा जो है यहां पर हमें शो होगा, बट रियल टाइम में हम देख सकते हैं व्यू रियल टाइम के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हमें ये पता चल सकता है कि इस वक्त हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने एक्टिव यूजर्स हैं। अब यहां पर हमें नजर आ रहा है एक्टिव यूजर जो है हमारे पास 2 यूजर्स हैं। यहां पर हमें नजर आ रहा है कि वो कौन सी डिवाइस पर एक्टिव हैं, डिवाइस कैटेगरी इन लास्ट 30 मिनट्स। 2 यूजर जो हमारे एक्टिव हैं वो है 100% डेस्कटॉप पे। 2 यूजर्स यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक मैंने इसी जीमेल में ओपन किया हुआ है और एक जो है दूसरा इस जीमेल में मैंने ओपन किया हुआ है, तो दोनों अभी मैंने खुद ही ओपन किए हुए हैं। उसके बाद मजीद डिटेल में अगर आप जाएं तो डेमोग्राफिक जो है उसके ओवरव्यू में आपको नजर आ सकता है इसकी मजीद डिटेल, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर नजर आएगा यूजर्स का बाय कंट्री। अब जिस कंट्री से होंगे वो कंट्री हमें नजर आएगी, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हमें रियल टाइम में क्या नजर आ रहा होगा, लास्ट 30 मिनट्स में कितने यूजर जो है वो एक्टिव थे, 2 यूजर्स ही हैं जो कि एक्टिव हैं। उसके बाद यहां से ये जो डाटा है बाकी डाटा 24 आवर्स के बाद यहां पर शिफ्ट होगा, ठीक है, अप टू 24 आवर्स। जैसे कि पहले नोटिफिकेशन में हमने देखा 24 आवर्स लग सकते हैं सारा डाटा यहां पर अवेलेबल होने में। उसके बाद यहां पर है यूजर बाय टाउन एंड सिटी, किस टाउन या किस सिटी से हमारे यूजर्स हैं, जितने भी यूजर होंगे सब सबकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहां पर है बाय जेंडर, कितने मेल हैं और कितने फीमेल यूजर्स हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद इंटरेस्ट बेस्ड, उनका इंटरेस्ट किस कैटेगरी में है, कौन सी कैटेगरी में वो फॉल करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट, यहां पर इंटरेस्ट बेस्ड हमारे पास आ रहा होगा। उसके बाद यहां पर हमारे पास एज आ रही होगी, किस एज के हमारे पास जो है यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आते रहते हैं, ठीक है। और सबसे एंड पे है बाय लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज थी जो कि यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आते रहते हैं या आए हैं इस वक्त रियल टाइम में भी जो है, वो सारी डिटेल हमें यहां पर मिलेगी। और ये वो कंप्लीट प्रोसेस है जिसके जरिए से सिंपल हम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं। इसको स्ट्रीम जनरेट करना कहते हैं, हम जो HTML कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट करेंगे। अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो सेम यही प्रोसेस होगा, अगर आपकी डिफरेंट वेबसाइट है तो उसके लिए प्रोसेस जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जिसके जरिए से हम अपना स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं वेबसाइट का। उसके बाद अगर डेमोग्राफिक डिटेल में जाएं, यहाँ पर डेमोग्राफिक डिटेल के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ पर हमें डिटेल नजर आ रही है। यहाँ पर सबसे पहले सिंपल तो जो है हमें कंट्री नजर आ रहा है, किस कंट्री से हमारे यूजर होंगे, यहाँ पर हमें यूजर्स नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर हमें नजर आ रहा होगा कि हमारे न्यू यूजर्स जो है वो कितने हैं। एक तो टोटल यूजर्स हैं, टोटल यूजर्स के बाद यहाँ पर न्यू यूजर जो है वो भी नजर आ रहे होंगे। उसके बाद एंगेज सेशंस, कि एक यूजर कितने एवरेज कितने सेशंस के साथ एंगेज करता है, ये डिटेल नजर आ रही होगी। और एंगेजमेंट रेट, पर यूजर का क्या एंगेजमेंट रेट है। उसके बाद एंगेजमेंट सेशंस पर यूजर, एक यूजर कितने सेशन के साथ एंगेजमेंट रेट के साथ हिसाब से यहां पर कैलकुलेशन आ रही होगी। उसके बाद एंगेजमेंट जो है हमारे पास एवरेज एंगेजमेंट टाइम, एक बार जब हमारे पास यूजर आता है तो वो एवरेज कितना टाइम हमारी वेबसाइट के ऊपर स्पेंड करता है, और ये सारी चीजें एवरेज है, ठीक है। यहां पर भी आपको एवरेज नजर आ रहा है, एवरेज का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक यूजर ने हमारी वेबसाइट के ऊपर 30 सेकंड जो है स्पेंड किए, एक यूजर ने हमारे पास 1 मिनट स्पेंड किए, एक यूजर ने 90 सेकंड स्पेंड किए, तो 3 यूजर्स को जो एवरेज होगा वो हमारे पास 60 सेकंड ही होगा, ठीक है। उसके बाद एंगेज जो है हमारे पास इवेंट काउंट है, कि कितने इवेंट्स हमारे पास जो है इवेंट काउंट के हिसाब से आए, और यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन है तमाम इवेंट्स के, कि जितने भी इवेंट्स थे हमारी वेबसाइट के ऊपर उसमें से कितने जो है हमने यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो लिए हैं। और यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है इन यूजर्स से, टोटल रेवेन्यू अगर हमारी सेल्स या ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो यहाँ पर उसका हिसाब यहाँ पर आ रहा होगा कि टोटल कितनी सेल जो है जनरेट हुई है। तो ये है हमारे पास कंप्लीट डिटेल जिसमें हम किसी भी वेबसाइट को वेबसाइट का स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं HTML कोड में एडिट करके, और उसका जो रिजल्ट है गूगल एनालिटिक्स में हमारे पास किस तरह से डिटेल्स जो है वहां पर आ रही होंगी।